Hello friends, this is Navneet and today I'll discuss with you the Punjab history. And as far as the Punjab history is concerned, I'm going to start with the Sikhism. And after Sikhism, I will proceed to the rise of Maharaja Ranjit Singh and the Anglo-Sikh wars in my upcoming videos. And before proceeding to the Sikhism, I request you to please don't forget to subscribe to my channel Fateh Educom. And if you like my videos, you can share it with your friends. And moreover, I request you to please, you can also follow me on my Facebook page if you like. So let's begin with the Sikhism. So what I have tried here, actually I tried to cover the entire historical facts related to the 10th gurus, right? Generally क्या होता है कि जब हम books पढ़ते हैं तो उसमें just एक मतलब figures वगैरह दी होती हैं, जैसे मान लो facts दिए होते हैं, birth कहाँ पे था गुरुजी का, ठीक है, कब हुआ था, उनके माता पिता का नाम, उनका थोड़ा सा contribution लिखा रहता है, ठीक है. तो जैसे जैसे आप पेज जो है वो टर्न ओवर करते हो तो आपको पिछली चीज़ें साथ साथ भूल दी जाती हैं, ठीक है. तो अगर आप उसको एक स्टोरी बेस्ड में याद रखते हो तो आपको चीज़ें जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए याद रहती हैं. तो अगर हम पंजाब स्टेट्स की एग्जाम्स की बात करें तो उसमें सिखिज्म के रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है, नॉर्मली. और अगर हम सिविल सर्विसेज की बात करें तो उसमें सिखिज्म के बारे में आप जितना जानोगे उतना ही आपके लिए बेटर है, राइट. तो हम स्टार्ट करते हैं इंडिया बिफोर गुरु नानक. थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि पहले जो कंडीशन थी वो क्या थी, ठीक है, गुरु नानक देव जी से पहले. तो जैसे कि आपको पता ही है कि तब बुद्धिज़्म जो था वो धीरे धीरे डिजनरेट हो रहा था, ठीक है. तो जो मतलब लोग थे, ठीक है, जो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया था कि बुद्धा के जो स्टैचू वगैरह थे वो इंस्टॉल करने शुरू कर दिए थे. लेकिन आपको अगर पता हो तो बुद्धिस्ट जो बुद्ध थे उन्होंने कभी भी नहीं बोला था कि मेरी आप आइडल वर्शिप करो, ठीक है. तो वो करना शुरू कर दिया था. मोर ओवर जो हिंदुज़म था, ठीक है, वो भी कास्टिज़म बहुत ज़्यादा उनमें राइज हो गया था, ठीक है. सॉर्ट ऑफ रिलीजन वो एक वो अनटचेबिलिटीज़ वगैरह को लेके भी बहुत वो बिलीव करते थे, ठीक है. शूद्र वगैरह को बहुत नफरत करते थे वो लोग, ठीक है. तो हिंदुज़म जो था वो बहुत ज़्यादा इट वॉज़ ओवर रिडन विद कास्ट सिस्टम, ठीक है. तो फिर कास्ट सिस्टम्स डिवाइड हो गए, ब्राह्मण्स वगैरह, ठीक है, वैश्यस ये होते हैं, शूद्रास लो क्लास्ट होते हैं, ठीक है. तो इन सब चीज़ों में क्लासेस डिवीजन हो गई, ठीक है. और यही कंडीशन जो थी तब थी जब मुस्लिम्स जो थे, बेसिकली आपको पता ही होगा कि इंडिया में ज़्यादा जो थे वो टर्कीज ही थे जिन्होंने इन्वेड किया था इंडिया में, ठीक है. तो तब भी हिंदूज़ की कंडीशन तब बहुत ज़्यादा जो थी वर्स्ट होने लग गई थी, क्योंकि जो मुस्लिम्स थे वो ज़्यादा चाहते थे कि जो हिंदूज़ हैं, ठीक है, वो इस्लाम को जो है वो कबूल करें, राइट. तो मोर ओवर अगर आपको पता होगा कि जो पंजाब है बेसिकली, क्योंकि पंजाब के साथ पहले तो पाकिस्तान पंजाब का ही पार्ट था, राइट. तो आप वहाँ पे जो खैबर पास था, अफगानिस्तान और पाकिस्तान यहाँ पे उनका बॉर्डर है, तो वहाँ से जो थे वो ट्रेडर्स आते थे, ठीक है. तो वहाँ पे जितने भी टर्कीज आए हैं वो उसी रूट से आए हैं. तो पंजाब एक गेटवे की तरह से जो है वो काम करता था, ठीक है, उनके लिए. तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट पड़ा है वो पंजाब के ऊपर ही आया है. जब आपको पता है आर्यंस भी आए थे तो सबसे पहले उन्होंने पंजाब को ही टारगेट किया था, ठीक है. हड़प्पा पे जब उन्होंने अटैक किया था तो पंजाब को सबसे पहले जो था उन्होंने अपना मतलब टारगेट बनाया था, ठीक है. तो द हिंदूज वर कन्वर्टेड टू इस्लाम एट अ पॉइंट ऑफ स्वॉर्ड. नॉबल स्कॉलर सूफीज पॉइंट्स फिलोसफर्स जो आने शुरू हो गए थे इन्वेडर्स के साथ साथ, उन्होंने अपना जो इस्लाम था वो प्रीच करना शुरू कर दिया था, ठीक है, ताकि जो इंडिया है उसमें इंडो मुस्लिम कल्चर जो है वो प्रेवलेंट हो जाए, ठीक है. उसके बाद हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले जो हमारे गुरुजी थे, गुरु नानक देव जी, ठीक है. तो ही वॉज बॉर्न इन 1469 एट रायपोए की तलवंडी, नाउ नोन एज ननकाना साहेब, सिचुएटेड इन पंजाब प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान, ठीक है. तो हिज फादर मेहता कालू ही वॉज अ पटवारी, ठीक है, पटवारी एंड अकाउंटेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू इन द गवर्नमेंट. गुरुज मदर वॉज माता तृप्ता एंड ही हैड वन सिस्टर बीबी नानकी, ठीक है. गुरु नानक देव जी की एक सिस्टर थी बीबी नानकी. तो बीबी नानकी माना जाता है कि सबसे पहले जो डिसिपल थी गुरु नानक देव जी की वो बीबी नानकी ही थी. उन्होंने उनमें जो थी वो भगवान की झलक देख ली थी. तो गुरु नानक वॉज बिटवीन 14 to 18 ईयर्स ऑफ एज वेन ही गॉट मैरिड, ठीक है. तो बेसिकली जो मेहता कालू जी थे उन्होंने काफ़ी उनको ट्रेड्स वगैरह में इंडल्ज किया, ठीक है, कि मतलब ये उनको लोग बोलते थे कि इसमें परमात्मा की छवि है, लेकिन वो यकीन नहीं करते थे, ठीक है. उनको लगता था कि मेरा बेटा जो है वो गलत रास्ते पे जा रहा है. तो उसके लिए उन्होंने पहले उनको काफ़ी जगह पर मतलब अपने जो उनका ब्रदर इन लॉ था उनके पास भी काम करने के लिए भेज दिया, ठीक है. तो फिर वहाँ से भी काफ़ी कंप्लेंट्स आई, तो फिर उन्होंने सोचा कि इनकी मैरिज कर देते हैं. तो फिर माता सुलक्ष्मी जी जो हैं
हैं. ही वॉज शी वॉज अ डॉटर ऑफ पाई मूला, रेजिडेंट ऑफ बटाला इन गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट. तो उनके साथ उनकी शादी हो गई, ठीक है. तो वहाँ पे भी आजकल गुरुद्वारा कंध साहब है, ठीक है. तो शी गेव बर्थ टू टू सन्स, श्री चंद एंड लक्ष्मी दास. गुरु नानक वेंट टू बाथ इन रिवर कॉल्ड वेई, ठीक है. तो वेई नदी जो आपको पता ही होगा, वहाँ पे गुरु नानक देव जी 3 दिन तक जो थे वो रहे थे पानी के बीच. तो उसके बाद उन्होंने बाहर निकल के पहले ये अपना जो सरमन डिलीवर किया था कि कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी मुसलमान नहीं है, सबका धर्म जो है वो एक ही है और वो है गॉड. सो गुरु नानक देव सा द वर्ड सफरिंग आउट ऑफ हेटर्ड फनेटिसिज्म फॉल्सहुड एंड हाइपोक्रेसी, द वर्ड हैड संक इन विकेडनेस एंड सिन. सो ही सेट आउट फॉर द रीजनरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी ऑन दिस अर्थ. ही ट्रेवल्ड ऑन फुट विद हिज मुस्लिम कंपेनियन नेम्ड मर्दाना अमिनिस्ट्रल, ठीक है. हिज ट्रेवल्स आर कॉल्ड उदासीज. तो बेसिकली 4 उदासी हैं जो गुरु नानक देव जी की फेमस हैं इन ऑल द डायरेक्शंस, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ठीक है. तो अगर हम उनकी उदासीज की बात करें तो उन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को जो था उनका अहंकार भी तोड़ा था, फिर उनको जो था वो एनलाइटनमेंट भी दी थी, ठीक है. सीधे रास्ते पे डाला था उनको, ठीक है. तो अगर हम उनकी उदासीज की बात करें तो वो हरिद्वार, गोरख माता, गया, ठीक है, जो जो कि आपको पता है बुद्धिस्ट, जहाँ पे उन्होंने जो बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध, उनको एनलाइटनमेंट हुआ था गया में, बिहार में, ठीक है. तो फिर असम, कैलाश पर्वत, मालाबार, संगलदीप. संगलदीप सिलोन का फॉर्मर नेम था, सिलोन आपको पता ही है श्रीलंका की फॉर्मर कैपिटल थी, ठीक है. फिर बगदाद, ठीक है. इसके अलावा भी वो बहुत दूर तक, इवन म्यांमार जो बर्मा है अभी, ठीक है, सॉरी पहले बर्मा था, ठीक है, वहाँ तक भी जो थे वो उन्होंने बाय फुट ट्रेवल किया था, ठीक है. तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को, जैसे मतलब जैसे मलिक भागु था, तो वो बहुत ही ज़्यादा वेल्दी था, तो उसको अपनी वेल्थ जो थी वो गलत जरिए से भी कमाता था, और बहुत घमंड था उसका, घमंड तोड़ा. फिर सज्जन ठग था, वो मतलब लोगों को दिन में बहुत उनकी सेवा करता था, तो रात को अपनी सराह में उनको जगा देता था, तो फिर रात को उनको लूट लेता था, कई कई बार उनको मार भी देता था. फिर वली कंदारी था, उसके मतलब वो जब वो पानी जो था उसने रोका हुआ था, लोगों को पानी नहीं पीने देता था, ठीक है. तो फिर उसने जब मर्दाना जी वहाँ पे गए पानी पीने के लिए, तो उसने पत्थर फेंक दिया, तो वो गुरु नानक देव जी ने अपने हाथ से वो पत्थर रोक दिया था. आपको पता होगा पाकिस्तान में गुरुद्वारा पंजा साहिब है उस जगह पे, ठीक है. तो ऐसे ही दुनीचंद था, ठीक है, वो भी बहुत वेल्दी था. तो वो भी बेसिकली क्या करता था, वो ह्यूमन सेक्रीफाइस करता था, ठीक है. तो वो चंडी जो थे उनको, उनकी पूजा करता था, चंडी माता की. तो उनको, उसको लगता था कि मैं अगर जो है वो लोगों की बलि चढ़ाऊंगा तो मतलब माता जो है वो बहुत खुश होगी. तो ऐसे मतलब काफ़ी ही लोगों का जो था उन्होंने उद्धार किया था अपनी उदासियों में, ठीक है. तो गुरु नानक देव जी ने करतारपुर सिटी, अगर आपको पता हो, ठीक है, तो वो फाउंड की थी, ठीक है. और ये करतारपुर सिटी जलंधर वाली नहीं है, ये जो डेरा बाबा नानक है, अगर आपको पता हो, गुरदासपुर साइड पे, तो वहाँ पे पड़ती है, ठीक है. आई थिंक इट इज़ नॉ इन पाकिस्तान, ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर रावी. द गुरु फॉर्म द हॉली कम्युनियन विच वॉज कॉल्ड संगत, एंड द प्लेस वेयर द हॉली कम्युनियन वॉज हेल्ड कॉल्ड गुरुद्वारा, ठीक है. तो गुरुद्वारा का जो मेन प्रथा कह सकते हो, ठीक है, तो वो भी गुरु नानक देव जी ने ही स्टार्ट किया था. एम्फेसिस वर लेड ऑन रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन. द जपजी वॉज रिसाइटेड एंड द एम्ब्रोजियल आर ऑफ द मॉर्निंग, द सोडर रहरास इन द इवनिंग एंड कीर्तन सोयला एट नाइट बिफोर गोइंग टू बेड. तो यहाँ से आपको एक चीज़ और क्लियर हो गई है कि जो जपजी साहब है, रहरास साहब और कीर्तन सोयला, वो भी गुरु नानक देव जी के ही बानी थी, ठीक है. तो ही स्टार्टेड कॉमन फ्री किचन गुरु का लंगर. एवरी वन वर्कड फॉर हिज लिविंग एंड गेव अ पार्ट ऑफ हिज अर्निंग फॉर द फ्री किचन कॉल्ड गुरु का लंगर, ठीक है. तो गुरु का लंगर जो था मेनली इन्होंने ही स्टार्ट किया था, ठीक है, गुरु नानक देव जी ने. और यहाँ पे लोग जो भी अपनी मर्जी से कुछ भी जो था चढ़ावा वगैरह देते थे, लेकिन यहाँ पे किसी को भी कोई कंपल्शन नहीं थी, ठीक है. अपनी आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, ठीक है. तो ऑल पीपल द ब्राह्मण और शूद्रा, द किंग और कॉमनर, द मुस्लिम और हिंदू हैड टू सिट इन द सेम रो एंड ईट द सेम फूड. उसके बाद अगर हम कॉम्पोजिशन एंड कलेक्शन ऑफ बानी की बात करें, इन हिज लास्ट ईयर ही डिलीवर्ड मोस्ट ऑफ हिज डिसिपल्स द रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस हु रिकॉर्डेड व्हाट दे रिसीव्ड, ठीक है. तो जब गुरुजी अपने लास्ट डेज में करतारपुर वापस आ गए थे, तो लोगों को पता चल गया था कि अब गुरुजी जो है वो मतलब
ज्योति ज्योत समा जाएंगे, तो इसलिए लोगों ने उनके पास आना शुरू कर दिया, उनके वचन जो थे, बाणी जो थी उनकी सुननी शुरू कर दिया, और काफ़ी लोगों ने उनकी बाणी जो थी वो लिखनी शुरू कर दी। ठीक है, तो वही जो बाणी उन्होंने लिखनी शुरू कर दी जो गुरु जी बोलते थे, ठीक है, जो गुरु जी इंस्ट्रक्शन देते थे, तो काफ़ी जो उनके डिवोटीज थे उन्होंने वो बाणी जो थी वो मतलब उनकी जो प्रेयर्स होती थी, हाइम्स होते थे, शब्द होते थे, वो लिखने शुरू कर दिए। ठीक है, और वही कलेक्शन जो थी वो बाणी पोथीस बन गई। ठीक है, और यही बाणी पोथीस जो थी वो लेटर लेटर ऑन जाके जो थी आदि ग्रंथ की फॉर्म में बन गई थी। ठीक है, द बानी पोथी कंपाइल्ड ड्यूरिंग हिज टाइम वाज पॉज्ड ऑन टू सेकंड गुरु गुरु अंगद देव। ठीक है, तो एट द एंड हम देख लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले ही वॉज कंटेम्प्रेरी ऑफ मुगल बाबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, जैसे कोई गुरु नानक देव जी हैं, गुरु अंगद देव जी हैं, गुरु अमरदास जी हैं, तो सबके कंटेम्प्रेरी कौन कौन से रूलर रहे हैं, तो ये जनरली पूछ लेते हैं। ठीक है, तो गुरु नानक देव जी के टाइम पे जो थे दैट वॉज मुगल बाबर। ठीक है, और इनकी कंपोजिशंस में है जपजी साहेब, सिद्ध गोष्ठ, दखनी ओंकार, रहराज साहेब, कीर्तन सोहला, बारह माह, आसा दीवार। ठीक है, एंड ही सक्सेसर वॉज गुरु अंगद देव, दैट इज उनका जो फॉर्मर नेम था दैट वॉज पाई लैना, एंड ही लेफ्ट फॉर हेमली अबॉर्ड ऑन 22 सितंबर 1539। तो अब हम बात करेंगे गुरु अंगद देव जी के बारे में। ठीक है, तो उनको जो गुरुशिप दी थी गुरु नानक देव जी ने दैट वाज ऑन 7 सितंबर 1539। तो गुरु अंगद देव जी वाज बॉर्न ऑन March 31, 1504 इन अ विलेज कॉल्ड हरीके इन फिरोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। हिज फादर भाई फेरू वाज अ ट्रेडर, हिज पेरेंट्स कॉल्ड हिम लैना, हिज मदर नेम वॉज माता सबराई। He was married at the age of 15. His wife Khiri was a native of Matte di Sara in Firozpur district. Pai Lena's wife gave birth to two daughters Amro and Anokhi and two sons called Dasu and Dattu. ठीक है, तो ये basically इसमें Dattu जो था वो बाद में history में आएगा। ठीक है, तो बाकी इनका ज़्यादा जिक्र नहीं हुआ है। ठीक है, अब हम इनके थोड़ा सा लाइफ के ऊपर पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि आपको पता है जनरली हमको ज़्यादा अकबर के बारे में पता है कि वो गुरु अमरदास जी के दरबार में आए थे। ठीक है, तो हुमायूं का बहुत कम लोगों को पता है कि गुरु अंगद देव जी के दरबार में जो है वो हुमायूं जो था वो आया था। अगर आपको पता हो तो हुमायूं ने अपनी लाइफ उनके बारे में बोला जाता है हुमायूं के बारे में कि उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो है वो लुढ़क लुढ़क के निकाल दी थी। ठीक है, मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा डिफीट्स जो थी, स्पेशली शेरशाह जो था, शेरशाह सूरी, उसके उससे बहुत ज़्यादा डिफीट्स उसको फेस करनी पड़ी थी, जिसकी वजह से वो एग्जाइल में भी गया था। ठीक है, तो ये गुरु अंगद देव जी के पास पहुंचा तो तब गुरु जी जो थे वो शब्द कीर्तन वगैरह कर रहे थे, तो इसको थोड़ा सा इंसल्टेड फील हुआ, निग्लेक्टेड फील हुआ। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने अपनी ना तलवार पे हाथ रख दिया। ठीक है, मतलब गुरु जी के ऊपर वार करने के लिए, लेकिन फिर ये मतलब इसको उसी टाइम अपने ऊपर जो था वो रिपेंट फील हुआ तो इसने नहीं निकाली। ठीक है, तो जब उसके बाद ये गुरु जी को मिला तो फिर इसने बोला कि मेरा उद्धार करो, मैंने सुना है कि आप सबका उद्धार करते हो तो मेरा भी करो। तो फिर गुरुजी ने बोला कि अगर तुम अपनी तलवार के ऊपर हाथ नहीं रखते तो तुम्हारा उद्धार अभी हो जाता, तुम्हें अभी तुम्हारा किंगडम वापस मिल जाता, लेकिन अब तुम्हें जो है वो देश के बाद बाहर जाना ही पड़ेगा, और अगर तुम देश के बाहर चले जाते हो उसके बाद अगर तुम वापस आते हो तो ज़रूर तुम्हें तुम्हारा किंगडम जो है वो वापस मिल जाएगा। और गुरु जी के शब्द जो थे वो सच्चे हुए थे और ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हो लिखा हुआ है, हुमायूं वेंट बैक टू हिज कंट्री एंड हैविंग ऑब्टेंड अ री इन्फोर्समेंट ऑफ कैवेलरी फ्रॉम द किंग ऑफ पर्शिया ही रिटर्न टू इंडिया। आफ्टर फाइटिंग अ पिस्ट बैटल ही रिकवर्ड हिज एम्पायर एंड कैप्चर्ड दिल्ली। देन क्लिप्ड और इम्परफेक्ट अल्फ़ाबेट ऑफ पंजाबी एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ गुरु नानक। तो बेसिकली जो गुरमुखी लाए थे, ठीक है, जो हमारे जो 35 जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो वो भी गुरु अंगद देव जी ही लेके आए थे, क्योंकि पहले जो अल्फ़ाबेट्स थे वो इतना क्लियर नहीं थे गुरु नानक देव जी के टाइम में, तो ज़्यादा जो लैंग्वेज थी वो पंजाबी लोग बोलते थे, तो ये उसके लिए एक स्क्रिप्ट जो थी वो लेके आए थे गुरमुखी। ठीक है, तो ये याद रखना कि गुरमुखी जो थी वो गुरु अंगद देव जी लेके आए थे। देन बाबा अमरदास कम्स टू गुरु अंगद। बाबा अमरदास वॉज लिविंग इन अ विलेज कॉल्ड बासरका नियर अमृतसर। ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ वैष्णव फेथ एंड यूज टू फास्ट रेगुलरली, बट ही हैड नो गुरु। एक्चुअली हुआ क्या था कि जो गुरु अमरदास जी थे पहले, तो वो वैष्णविज्म मतलब विष्णु भगवान जी को बहुत मानते थे। ठीक है, तो इसके लिए वो मतलब हरिद्वार वगैरह भी जाते थे हर साल। तो फिर एक बार वो वहाँ गए तो रस्ते में उनका एक फ्रेंड बन गया,
तो वो एक दूसरे के साथ इकट्ठे रहने लगे। तो उन्होंने उसने देखा कि गुरुजी तो बहुत ही मतलब पाठ पूजा करते हैं, रास्ते में भी आते जाते जहाँ भी उनको मंदिर दिखता था वहीं पे पूजा करनी शुरू कर देते। तो वो बड़ा जेलस फील हुआ, तो उसने पूछा गुरुजी से कि तुम मतलब तुम्हारा गुरु कौन है। तो उसने बोला कि मेरे तो गुरुजी ने बोला, अमरदास जी ने, कि मेरा तो कोई गुरु ही नहीं है। तो उसने बोला कि मतलब मेरे तो मुझे तो दोबारा गंगा वापस जाना पड़ेगा, मुझे दोबारा हरिद्वार वापस जाना पड़ेगा, मेरे तो मतलब तुम्हारा तो गुरु ही नहीं है, तो मैंने तुम्हारे हाथ से खा लिया तो मैं तो नरक में जाऊंगा। तो गुरुजी को बड़ा अपने ऊपर थोड़ा मतलब फील होने लगा कि मेरा तो कोई गुरु नहीं हूँ, मैं निगुरा हूँ। मतलब ये इन्होंने सोचा कि मैं निगुरा हूँ, ठीक है, मेरा कोई गुरु नहीं है। तो ये गुरु के बारे में ये इन्होंने सर्च करनी शुरू कर दी, ठीक है। तो फिर इन्होंने एक दिन अपने घर में ही किसी जो मतलब औरत थी उसकी आवाज़ सुनी, वो थी बीबी अमरो। वो गुरु अंगद देव जी की बेटी थी, जिसका जिसकी शादी अभी अभी जो गुरु अमरदास जी के भतीजे थे उनके साथ हुई थी, ठीक है। तो वो शब्द गुणगान कर रही थी, तो उनकी आवाज़ सुनते ही वो गुरु अमरदास जी उसके पास चले गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने गुरु से जो है वो मिलाओ, ठीक है। तो उसके बाद जो थे गुरु अमरदास जी गुरु अंगद देव जी से मिले थे। तो उसके बाद गुरु अंगद देव जी ने गोइंदवाल सिटी जो थी वो इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। तो वन डे अ मैन गोबी केम टू गुरु एंड सेड, इफ ही बिकेम विक्टोरियस इन अ लॉ सूट अगेंस्ट हिज रिलेशन, ही वुड फाउंड अ सिटी इन ऑनर ऑफ द गुरु, ठीक है। तो एक गोविंद बंदा था, उसका कोई केस वगैरह चल रहा था, तो उसने बोला गुरु जी से, गुरु अंगद देव जी से, कि मेरा केस जितवा दो तो मैं आपके नाम पे जो है वो एक सिटी जो है वो तैयार करूंगा। तो ऐसा ही हुआ, वो जीत गया, ठीक है। तो फिर उसने मतलब सिटी तैयार करनी शुरू कर दी, लेकिन होता क्या था, जैसे दिन में वो बनाता था कंस्ट्रक्शन करवाता था, तो रात को वो सारा जो था वो उसकी कंस्ट्रक्शन जो थी डिमोलिश हो जाती थी अपने आप ही। तो वो बड़ा परेशान हो गया, तो उसने गुरुजी से रिक्वेस्ट की कि मतलब मेरी मदद कीजिए। तो फिर गुरु अंगद देव जी ने गुरु अमरदास जी को भेजा था साथ में उनके गोविंद के। तो उसके बाद उसने जब सिटी बन गई, तो उसने बोला गुरुजी को कि आप मेरे साथ वहाँ पे चलो रहने। तो गुरु अंगद देव जी ने कहा कि मैं नहीं जा सकता, तो उन्होंने गुरु अमरदास जी को बोला कि तुम अब वहीं वहीं जाओगे। तो उसके बाद गुरु अमरदास जी थे, उन्होंने अपना सारी जो सेटलमेंट थी वो गोइंदवाल में शिफ्ट कर ली थी, लेकिन जो सिटी ऑफ गोइंदवाल इस्टेब्लिश की थी वो गुरु अंगद देव जी की वजह से ही हुई थी, ठीक है। तो गुरु अंगद देव जी डायरेक्टेड गुरु अमरदास टू लिव इन गोइंदवाल एंड लेफ्ट फॉर इज हेमली अबॉर्ड ऑन मार्च 29, 1552, ठीक है। तो गुरु गद्दी भी जो थी उन्होंने गुरु अमरदास जी को ही सौंप दी थी, क्योंकि गुरु अमरदास जी रोज गोइंदवाल से उनके पास आते थे, ठीक है। तो मतलब उनकी सेवा करते थे, और उसके बाद जो थे वो क्या उसे कहते हैं, वापस वहीं जाते थे, दिन रात में वहाँ रहते थे, पाठ पूजा करते थे, फिर दोबारा दिन में उनकी बहुत सेवा करते थे, तो इसलिए उन्होंने उनको गुरुगद्दी दे दी, ठीक है। तो इस कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेनली गुरुमुखी स्क्रिप्ट एंड मल अखाड़ा जो था ये भी गुरु अंगद देव जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। लोगों की सेहत वगैरह अच्छी हो, ठीक है, जो यूथ है वो मतलब गलत बातों में डाइवर्ज ना हो, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने मल अखाड़ा का जो था कॉन्ट्रीब्यूशन भी उन्होंने ही दिया था गुरु अंगद देव जी ने, एंड हिज सक्सेसर इज गुरु अमरदास जी। तो अब हम पढ़ते हैं गुरु अमरदास जी के बारे में। गुरु अमरदास जी वॉज बॉर्न ऑन अप्रैल 5, 1479 एट बासरका विलेज इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। ही वॉज एल्डेस्ट सन ऑफ हिज पेरेंट्स भाई तेजपान एंड माता लक्ष्मी। ब्रदर्स, उनके ब्रदर्स जो थे दैट वॉज ईशरदास खेमराय एंड मानक चंद। मानक चंद के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनको मलजीवड़ा बोलते हैं, ठीक है, क्यों बोलते हैं वो भी हम पढ़ेंगे अभी। एट द एज ऑफ 24 ही वॉज मैरिड टू मनसा देवी, हु गेव बर्थ टू टू सन्स, मोहन एंड मोहरी, एंड टू डॉटर्स, बीबी दानी एंड बीबी पानी, ठीक है। तो जो बीबी दानी थी उनकी शादी जो थे बाबा रामा जी थे उनके साथ हुई थी, तो बीबी पानी जो थी उनकी शादी गुरु अमरदास जी के सॉरी गुरु रामदास जी के साथ हुई थी, ठीक है, जो हमारे चौथे गुरु हैं। तो गुरु अंगद सन वर अपसेट बिकॉज दे क्लेम दैट आफ्टर देयर फादर दे वर द लेजिटिमेट हेयर्स टू गुरुशिप। गुरु अंगद सन दातू देयर फॉर प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ एज गुरु इन खडूर, बट द सिक्स डिड नॉट एक्सेप्ट हिम एज सच, ठीक है। तो ये जो दातू था इसने क्या किया कि जो गुरु जी जो बैठे थे वो संगत में बैठे हुए थे तो थ्रोन पे, तो इसने आके पीछे से गुरु जी को जो थी वो अपनी टांग जो थी लगाई, तो गुरु जी जो थे वो गिर पड़े थे। तो गुरु जी ने बड़ी निम्रता से बोला कि मैं तो बूढ़ा हूँ, लेकिन तुम्हारी हड्डी जो है वो हो सकता है कोमल है तो उसको चोट ना आई हो, ठीक है। तो बाद में ये भी माना गया कि जब दातू जो था वो लोग जो थे बहुत ही अपसेट हो गए थे दातू से, क्योंकि वो खुश नहीं थे क्योंकि उसने गुरुजी की इंसल्ट की थी,
तो लोग उससे बहुत नाराज़ हो गए थे। तो उसने मतलब वहाँ से काफ़ी कुछ सामान जैसे खजाना वगैरह लेके वो जा रहा था ऊँट के ऊपर, तो किसी ने रास्ते में उसको मतलब ठगना चाह, तो उसकी लड़ाई वड़ाई हो गई। तो उसके उसी पैर पे जो थी, और फिर उस बंदे ने जो था वो हर्ट किया था, तो उसको काफ़ी दिन उस पैर पे जो थी वो तकलीफ रही थी। ठीक है, तो उसके बाद गुरुजी जो थे वहाँ से काफ़ी दूर चले गए, तो लोगों की रिक्वेस्ट करने पर मतलब लोगों ने ढूंढ निकाला उनको, तो फिर वो लोगों की रिक्वेस्ट के को दे के उनका प्यार डिवोशन दे के वो वापस आ गए गोइंदवाल में। ठीक है, तो फिर उन्होंने वहाँ पे जो थी गोइंदवाल साहब पे बौली, जो आज भी अगर वहाँ पे देखो आप तो बौली जो है वहाँ पे एस्टेब्लिश है, तो वो गुरु अमरदास जी ने वहाँ पे जो थी बौली एस्टैब्लिश की थी। ठीक है, एक वेल होता है, ठीक है, जिसके काफ़ी नीचे मतलब सीढ़ियाँ, 84 सीढ़ियाँ बोलते हैं कि 84 सीढ़ियाँ लगी हुई हैं वहाँ पे, तो नीचे जाके वो वेल बना है, वहाँ पे लोग आजकल जो है वो स्नान वगैरह करते हैं। ठीक है, तो वो गुरु अमरदास जी परचेज सम लैंड इन गोइंदवाल एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ बौली इन 1559। ऑल सिक्स ज्वाइंट इन द वर्क ऑफ डिगिंग दी बौली। मानक चंद ब्रदर ऑफ गुरु अमरदास इन वोकिंग गॉड नेम। तो ये भी मानक चंद भी वहाँ पे जो था वो सेवा कर रहा था, तो सेवा करते करते इसका पैर फिसल गया, क्या हो गया कुछ कि मतलब ऊपर से ये फिसला और जो पानी था वो इमिडिएटली बॉली से फ्लो करना शुरू हो गया, तो ये उसमें बह गया। लेकिन गुरुजी की मतलब कह लो शक्ति थी तो ये बच गया। तो उसके बाद इसका जो नाम था वो फेमस हो गया मरजीवड़ा के नाम से। ठीक है, तो मरजीवड़ा मतलब जिसको मौत के बाद जिंदगी मिली हो। ठीक है, रिवाइव्ड आफ्टर डेथ। तो गुरु का लंगर फ्री किचन, ठीक है, आपको पता ही है जो गुरु नानक देव जी थे उन्होंने स्टार्ट किया था, बट मेनली जो गुरु अंगद देव जी थे उन्होंने इसको फिर डेवलप किया था। लेकिन गुरु अमरदास जी ने जो था इसका मतलब एक चीज़ रख दी थी कि जो भी मुझे मिलने आएगा वो पहले जो है वो गुरु की संगत में बैठ के, पंगत में बैठ के वो लंगर छकेगा, तभी मैं उससे जो है वो मिलूंगा। तो ये चीज़ जो थी स्ट्रिक्ट फॉर्म में गुरु जी ने इम्प्लीमेंट की थी, गुरु अमरदास जी ने। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है कि जो अकबर था वो भी आया था और राजा ऑफ हरिपुर था वो भी आया था। तो उन्होंने गुरु जी से जब मिलने की जो थी इच्छा प्रगटाई, तो गुरु जी ने बोला कि पहले आप जो है वो लंगर छक के आओ, तो फिर वो उन्होंने लंगर छका था, तो फिर वो गुरु जी से मिलने आए थे। ठीक है, तो अकबर जो था वो उसने मतलब ही रियली रेलिश द फूड, तो उसने खुश होके गुरु जी से बोला कि आपको मतलब मैं क्या दूँ भेंट में। तो गुरु जी ने बोला कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो जानता था कि गुरु जी खुद कुछ नहीं मांगेंगे। तो उन्होंने अकबर ने फिर जो अपने 84 विलेजेस जो थे उसके आसपास के, वो बीबी पानी जो थे उनके गुरु अमरदास जी की डॉटर, तो उनके नाम कर दिए थे। ठीक है, तो ये वही जगह है, यहाँ पे सिटी ऑफ रामदासपुर जो है गुरु रामदास जी ने कंस्ट्रक्ट करवाया था। ठीक है, और इसको हम आजकल अमृतसर बोलते हैं। तो उसके बाद एबोलिशन ऑफ सती, तो ये बहुत ज़्यादा जो है मेन इनकी कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, जैसे आपको पता ही है कि हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि राजा राममोहन राय ने स्टार्ट किया था एबोलिशन ऑफ सती, या उससे पहले भी था। ठीक है, काफ़ी राजाओं ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन जो जी बी स्कॉट हैं फिलोसफर हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली जो गुरु जी थे, गुरु अमरदास जी थे, वो फर्स्ट रिफॉर्मर थे जिन्होंने जो प्रैक्टिस ऑफ सती था उसको कंडेम किया था। ठीक है, कि नहीं ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ही कैरिड आउट अ विग्रस कंपेन अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ सती, और उन्होंने मतलब एनकरेज किया था विडो री मैरिज को भी। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मंजी सिस्टम, ठीक है, मंजी सिस्टम भी जो था, अब देखो यहाँ पे उन्होंने स्ट्रेंथन किया लंगर सिस्टम। ठीक है, फिर उन्होंने ये सती सिस्टम की उसको भी कंडेम किया, और फिर इन्होंने इस्टेब्लिश किया मंजी सिस्टम। ठीक है, बाई मंजीज इन्होंने इस्टेब्लिश की, बाई मंजीज बेसिकली इसमें क्या होता था कि लोग होते थे, ठीक है, मंजी बेसिकली पंजाबी में एक बेड होता है ना जैसे छोटा सा, तो उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वहाँ पे जो थे वो सिख बैठते थे इनके। ठीक है, तो वो प्रीच करते थे इनकी अपनी ही टीचिंग्स। ठीक है, जो गुरु जी गुरु नानक देव जी थे या गुरु अंगद देव जी थे उनकी, ठीक है, गुरु अमरदास जी की टीचिंग्स जो थी वो प्रीच करते थे, वो डिलीवर करते थे लोगों को। ठीक है, तो ये बाई मंजीज जो मंजी सिस्टम था वो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, और जो 22 मंजीज थी वो बेसिकली ये जो लोग थे इन्होंने ऑक्यूपाई की थी, अलायर, सच्चन, सच, साधरन, सावनमल, सुखान, हंदल, केदरी, खेड़ा, गंगूशा, दरबारी, पारो, फेरा, भुआ, बेनी, महेशा, माईदास, मानकचंद, मुरारी, राजा राम, रांगशा, रांगदास एंड लालू। ठीक है,
तो गुरु अमरदास एस्टैब्लिश्ड अनदर ऑर्गेनाइजेशन पीरी सिस्टम, ठीक है, ये वो वाला पीरी सिस्टम नहीं है जो गुरु हरगोबिंद साहिब ने स्टार्ट किया था, मीरी पीरी वाला। इसमें जो था बेसिकली ये पीरी सिस्टम में पीरीज थे जहाँ पे जो लेडीज थी उनको इंचार्ज बनाया गया था कि वो गुरु जी का जो प्रीचिंग्स है उनको जो है स्प्रेड करें, ठीक है, लोगों के बीच में डिलीवर करें सर्विस उनकी। देन कॉम्पोजिशन ऑफ अनंत साहब, ये भी इनका बहुत बड़ा मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, ठीक है। अनंत साहब आपको पता ही है जो सिखिज्म की पांच मेन बानियां हैं, जपजी जाप अनंत जपजी जाप स्वयं चौपाई, तो अनंत साहब उसमें से भी एक है और ये लास्ट में बेसिकली रिसाइट किया जाता है। और जो भी खुशी का कैसा भी माहौल हो जब पाठ होता है तो एंड में जो है वो अनंत साहब जो है वो बोला जाता है, ठीक है, रिसाइट किया जाता है, तो इससे बहुत ही जो है वो आनंद कहते हैं कि मिलता है। देन गुरु अमरदास जी गुरुशिप, वन डे द गुरु आस्क्ड रामा हस्बैंड ऑफ बीबी दानी। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था ना कि गुरु अमरदास जी की दो पुत्री थी, बीबी बानी बीबी तान दानी एंड बीबी पानी, ठीक है। तो बीबी दानी जो थी उनका हस्बैंड था बाबा रामा जी, और जो भाई जेठा जी थे वो बीबी पानी के हस्बैंड थे, ठीक है। भाई जेठा जी का जो है वो मतलब भाई जेठा जी गुरु रामदास जी का फॉर्मल नेम है, ठीक है। तो इन दोनों को जो था वॉल कंस्ट्रक्ट करने के लिए बोला, तो बाबा रामा जी थे जो थे उन्होंने 3 बारी कंस्ट्रक्ट कर पाए, उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मुझसे नहीं होगा। तो जो भाई जेठा जी थे वो उन्होंने 7 बार जो था वो कंस्ट्रक्ट किया, तो उसके बाद उन्होंने हाथ जोड़ दिया कि गुरु जी मतलब मैं इतना भी काबिल नहीं हूँ कि आपको जैसी वॉल चाहिए मैं उसको कंस्ट्रक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ मुझे ब्लेसिंग्स दो कि मैं वैसी ही वॉल कंस्ट्रक्ट कर सकूँ। तो गुरुजी बहुत खुश हुए, तो उन्होंने बोला कि जैसे तुमने 7 बार जो है वो वॉल कंस्ट्रक्ट की है, तो तुम्हारी जो 7 जनरेशंस हैं वो अब गुरुगद्दी पे बैठेंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो गुरु रामदास जी से लेके गुरु गोबिंद सिंह जी तक जो थे आगे इनके ही जो थे वो बच्चे जो थे आए थे, ठीक है, बारी बारी से अब आप पढ़ोगे, ठीक है। तो ये बेसिकली इनका जो है वो हम पढ़ लेते हैं एक बार। ऑन द 1st of September 1574 गुरु अमरदास जी लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबोड, ठीक है, उनको गुरुगद्दी देने के बाद। तो हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस वर मेनली ऑल विजिटर्स टू गुरुद्वारा फर्स्ट टू टेक लंगर, ठीक है। देन अनंत साहब इन्होंने कंपाइल किया था, मंजी साहब सिस्टम का जो था इन्होंने एस्टैब्लिश किया था। देन एस्टैब्लिश सिटी ऑफ गोइंदवाल साहेब, देन प्रोहिबिटेड सती प्रैक्टिस एंड एनकरेज विडो री मैरिज, ठीक है। देन 907 हाइंस टू गुरु ग्रंथ साहब, ठीक है। और इनका जो सक्सेसर था दैट वॉज गुरु रामदास जी, ही वॉज थ्रोन्ड ऑन 30 अगस्त 1574, ठीक है। तो अब हम गुरु रामदास जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। हरिदास अखत्री ऑफ सोडी ट्राइब लिव विद हिज वाइफ दया कौर इन चूना मंडी अ सब अब ऑफ लाहौर। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर वेरी रिलीजियस। आफ्टर 12 ईयर्स ऑफ देयर मैरिज अ सन वॉज बॉर्न टू दैम। वो सन कौन थे? भाई जेठा जी, यानी कि गुरु रामदास जी वॉज बॉर्न ऑन 24 सितंबर 1534, ठीक है। दे कॉल्ड हिम रामदास हु वॉज जनरली नॉन एज जेठा मीनिंग फर्स्ट बॉर्न, ठीक है। तो पंजाबी में आपको पता ही होगा कि जेठा का मतलब ही वो होता है जिस जो पहला बच्चा जन्म लेता तो उसको जेठा ही बोलते हैं, ठीक है। द यंग मैन जेठा जी दैट इज रामदास वॉज चूजन बाय गुरु अमरदास जी टू मैरी देयर यंगर डॉटर बीबी पानी। तो जो इनके बीबी पानी और गुरु रामदास जी के जो पुत्र थे देवर पृथ्वी चंद महादेव एंड गुरु अर्जन देव, ठीक है। तो इनका जो मेन कंट्रीब्यूशन रहा है गुरबानी में आपको पता ही होगा जो लामा होते हैं, ठीक है, बेसिकली जो हस्बैंड वाइफ भी फेरे लेते हैं, 4 फेरे जो होते हैं आपको पता ही होगा हमारे सिखिज्म में, तो वो बेसिकली इनका ही सबसे बड़ा वो कंट्रीब्यूशन है। तो गुरु रामदास कंपोज्ड हाइम नॉन एज लामा इन सूही महल्ला 4th, ठीक है, पेज 773 ऑफ गुरु ग्रंथ साहब एंड आस्ट हिज सिक्स टू रिसाइट दैम टू सॉल्मनाइज मैरिजेस। द शब्द लामा एम्बॉडीज इन इट सेल्फ अ लेसन फॉर द कपल टू डिवेल्प ट्रू लव फॉर ईच अदर, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली जो कपल है, ठीक है, ब्राइड और ब्राइड ग्रूम बोला गया ह्यूमन बींग को और गॉड को, ठीक है। गुरुशिप, गुरु रामदास एम्ब्रेस्ड अर्जन देव सेंट फॉर 5 पैसे एंड कोकोनट एंड प्लेस दैम बिफोर हिम। ही डिसेंडिंग फ्रॉम हिज थ्रोन सीटेड हिम देयर बिफोर द होल असेंबली ऑफ द सिक्स।
By Buddha affixed the tilak of spiritual sovereignty to Arjan Dev's forehead, and thus he was proclaimed as Guru Arjan Dev. This happened in August 1581. भाई बुड्ढा जी का जो अगर आप देखो तो गुरु नानक देव जी के टाइम पे भी वो थे, जब गुरु नानक देव जब गुरु नानक देव जी अपनी उदासीस पे थे, तो वहाँ पे किसी नगर में इन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा था, तो बहुत ही मतलब उनको देखा मेडिटेट वगैरह करते हुए, तो उन्होंने इनको बुलाया, तो पूछा, तो इन्होंने बोला, इनकी उम्र सिर्फ 7-8 साल की थी तब, तो इन्होंने बोला कि मेरी माँ जो थी एक दिन लकड़ियाँ जला रही थी, तो जो सबसे छोटी लकड़ी थी तो वो सबसे पहले जल गई, तो मुझे डर आ गया कि मैं मर जाऊँगा, तो मेरे पास अगर मैं पहले मर गया तो मेरे पास बहुत ही टाइम कम रह जाएगा, तो फिर मैं भक्ति कैसे कर सकूँगा, ठीक है। तो उसके बाद गुरुजी थे, गुरु नानक देव जी बहुत खुश हुए थे, तो ये भाई उन्होंने बोला था कि ये छोटा सा बच्चा है लेकिन बुजुर्गों जैसी बातें करता है, तो उन्होंने इनका नाम जो था भाई बुड्ढा रख दिया था, और इनको बहुत ही मतलब लॉन्ग आयु आप कह सकते हो ब्लेस की थी उन्होंने, ठीक है। मतलब अगर आप देखो तो आई थिंक गुरु हर गोबिंद साहब जी के टाइम तक जो थे इनको इनका जिक्र आप देखोगे, ठीक है। तो ऑन 16 सितंबर 1581 गुरु रामदास जी लेफ्ट फॉर हिज फैमिली अबॉर्ड, हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेनली लामा एंड ही डिजाइंड द गोल्डन टेम्पल, ही एस्टेब्लिश सिटी ऑफ रामदासपुर और गुरु का चक और चक रामदास और अमृतसर, ठीक है। ये सारे नाम जो है वो अमृतसर के ही हैं, रामदासपुर भी, गुरु का चक भी, चक रामदास और अमृतसर तो है ही, ठीक है। एंड हिज सक्सेसर वॉज गुरु अर्जन देव जी, ही वॉज थ्रोन इन ऑगस्ट 1581, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुरु अर्जन देव जी के बारे में। गुरु अर्जन देव जी वॉज बॉर्न इन गोइंदवाल, अ स्मॉल टाउन इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट, ऑन अप्रैल 15, 1563। ही वॉज द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु रामदास एंड बीबी पानी। एज अ चाइल्ड वन डे ही फाउंड इन हिज वे, मतलब ये गुरु रामदास जी सोए हुए थे तो इन्होंने जाके उनको जगाना चाहा, तो बीबी पानी ने मना भी किया, लेकिन इन्होंने तब तक वो उठ चुके थे, तो तब गुरु रामदास जी बहुत खुश हुए थे, तो उन्होंने इनको बोला था कि ये मेरा दोता बानी का बोता होवेगा, ठीक है। दैट मीन्स दिस ग्रैंडसन ऑफ माइंड शैल बी अ शिप टू टेक मैनकाइंड अक्रॉस द ओशन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। गुरु अमरदास जी बेसिकली, हाँ गुरु अमरदास जी थे, ठीक है। तो गुरु अमरदास जी की बेटी थी ना बीबी पानी, ठीक है। तो इन्होंने उनको ये वाली लाइन्स जो थी ये गुरु अर्जुन देव जी के लिए यूज़ की गई थी, ठीक है, स्टोरी में। देन गुरु अर्जुन वॉज मैरिड टू माता गंगा, ठीक है, डॉटर ऑफ कृष्ण चंद, रेजिडेंट ऑफ मियो विलेज नियर फिलौर इन जलंधर डिस्ट्रिक्ट। द मैरिज टुक प्लेस इन 1589 व्हेन ही वाज अबाउट 26 इयर्स ओल्ड। गुरु रामदास बिगेन एक्सकवेशन ऑफ टू टैंक्स नेमली संतोखसर एंड अमृतसर एंड स्टार्टेड द फाउंडेशन ऑफ सिटी रामदासपुर। आफ्टर हिज फादर गुरु अर्जुन अप्लाइड हिमसेल्फ टू द टास्क ऑफ कंप्लीटिंग द टैंक्स एंड एक्सटेंडिंग द सिटी। तो बेसिकली जो मसंद सिस्टम था वो गुरुजी ने स्टार्ट किया था, गुरु अर्जुन देव जी ने, ठीक है। तो आपको पता ही है, हमने अभी डिस्कस किया मंजी सिस्टम के बारे में, जिसमें मतलब बाई मंजीज जो थी गुरु अमरदास जी ने एस्टेब्लिश की थी कि गुरु नानक देव जी की प्रीचिंग्स जो है वो करेंगे ये बाई लोग जगह डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो उसको थोड़ा सा इन्होंने मॉडिफाई कर दिया था मंजी सिस्टम में, इन्होंने मसंद सिस्टम कर दिया था, मतलब कि वो जो बाई जो मंजीज थी, ठीक है, या और भी जो मतलब सिख होंगे वो अब उसके साथ साथ जो टैंक्स या सिटी, जैसे रामदासपुर सिटी एस्टेब्लिश कर रहे थे, ठीक है, तो टैंक की भी कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो चंदा जो है वो इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कोई भी किसी भी तरह का किसी को कंपल्शन नहीं थी कि कोई वो अपनी पैसे जो है वो दे ही, ठीक है, लेकिन इन्होंने बोला था कि कोई भी जो सिख है, सच्चा भगत है, वो अपनी दसवंध यानी कि अपनी कमाई का 10वां हिस्सा जो है वो इसमें दान कर सकता है, ठीक है। तो मंजी प्लस दसवंध मसंद सिस्टम जो था वो इन्होंने स्टार्ट किया था। देन कम्प्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, तो ये जो संतोखसर का काम वहाँ पे अमृतसर में बेसिकली संतोखसर, बिबेकसर और ये जो गोल्डन टेम्पल पे है, इनका सारा काम जो है वो गुरु अर्जुन देव जी ने कंप्लीट करवाया था, ठीक है। देन मियाँ मीर आपको पता है बहुत ही फेमस मुस्लिम सेंट हुए हैं, और ये गुरुजी के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, और इन्होंने जो थी गुरु वहाँ पे गोल्डन टेम्पल जब कंस्ट्रक्ट कराया था तो नींव इन्होंने रखी थी, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली एक मुस्लिम से नींव रखवाने का काम भी इसलिए इनसे किया था ताकि मतलब लोग समझ सकें कि जो गुरु है, जो सच्चा सिख है, ठीक है, वो सिख का मतलब होता है टीचिंग, ठीक है, किसी भी चीज़ की टीचिंग, ठीक है। तो जो सच्चा सिख है, ठीक है, गुरु का सिख है, वो कभी भी किसी धर्म में भेदभाव नहीं रखेगा, ठीक है, वो उसका एक ही धर्म है एंड दैट इज़ इंसानियत,
ठीक है, तो इसलिए इन्होंने मियाँ मिर्जी से नींव रखवाई थी। और ये माना जाता है कि जब वो उन्होंने ईंट रखी थी तो वो थोड़ी टेढ़ी हो गई, तो उसी वक्त जो वहाँ पे एक मैसन था तो वो सीधी करने आ गया। तो गुरुजी ने बोला कि अब ये नींव जो है वो दोबारा रखी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पहले उसने जो मैसन है उसने भी मतलब इसमें हाथ लगा दिया है, ठीक है। तो क्योंकि वो चाहते थे कि इसको बेसिकली मियाँ मीर ही इसकी शुरुआत करे। तो गुरुजी के वर्ड्स जो थे लेटर ऑन सच्चे भी हो गए थे, जब अब्दाली ने अटैक किया था गोल्डन टेम्पल पे, तो उसकी दोबारा जो थी कंस्ट्रक्शन करवाई गई थी। देन कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ, तो ये बहुत ही बड़ा काम है, ठीक है। कंपाइल किया था आदि ग्रंथ को गुरु अर्जुन देव जी ने, ठीक है। तो इसमें बेसिकली जो गुरु नानक देव जी थे, ठीक है, उनके हाइंस थे, ठीक है, और उनके जो सक्सेसर्स थे उनके हाइंस यहाँ पे इन्होंने जब तक गुरु अर्जुन देव जी थे तब तक के इसमें इंक्लूड किए थे, ठीक है। तो फॉर दैट पर्पज ही चूज अ सिक्लूडेड स्पॉट आउटसाइड द सिटी विच इज नाउ कॉल्ड रामसर। ही गॉट अ टेंट एक्सकवेटेड देयर। टेंट्स वर इरेक्टेड फॉर द अकोमोडेशन। गुरु अर्जन टुक अबोर्ड नियर द टैंक एंड डिक्टेटेड हाइम्स टू पाई गुरुदास, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन के फॉर्म में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वहाँ पे हुआ क्या था कि जो पृथ्वीचंद था उसने जो जहाँ पे गोल्डन टेम्पल था वहाँ पे लोगों को प्रीचिंग्स देनी शुरू कर दी थी कि मैं ही मतलब सच्चा अच्छा गुरु मैं ही हूँ, ठीक है, गुरु अर्जुन नहीं है। तो लोगों को मतलब लोग भोले वाले थे, ठीक है, उनको पता नहीं था, उनको था कि ये भी गुरु की ही संतान है तो ये हमें गलत क्यों प्रीच करेगा, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने गुरुजी को वहाँ गोल्डन टेम्पल में एंट्री से भी मतलब मना कर दिया था, ठीक है। तो फिर इसलिए गुरुजी ने बोला कि मुझे वैसे भी वहाँ पे कोई ऐसी जगह चाहिए जो सिक्लूडेड हो, ठीक है, जहाँ पे मेरा ध्यान नहीं भटके। तो फिर उन्होंने ये वाली जगह जो थी वो चुनी थी, ठीक है, रामसर। तो गुरु जो पाई गुरदास जी थे उन्होंने वहाँ पे उनसे जो डिक्टेट करवाई थी वर्सेस, ठीक है। द वर्सेस वर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू रागस और म्यूजिकल मेजर्स। द हाइंस ऑफ फर्स्ट गुरु केम एज मोहल्ला फर्स्ट, ठीक है, रीड एज मोहल्ला पहला, देन दोज ऑफ सेकेंड गुरु एज मोहल्ला सेकेंड एंड सो ऑन। आफ्टर द बानी ऑफ गुरुज केम द वर्सेज ऑफ भगत्स और द इंडियन सेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको पता ही है 11 भट्ट की आई थिंक बानी है, ठीक है, जो इसमें वर्सेज हैं गुरु ग्रंथ साहब जी में। द हाइम्स ऑफ आदि ग्रंथ वर दस सेट अकॉर्डिंग टू 31 इंडियन क्लासिकल रागस। वेन द कॉम्पोजिशन वॉज कम्प्लीटेड द गुरु देन रोड मंदावनी एज कंक्लूजन एंड फिक्स्ड हिज सील देयर टू। तो ये बेसिकली जो सूफी सेंट्स जिनकी वाणी इंक्लूडेड है, ठीक है, तो ये भी आपको थोड़ा सा इनके ऊपर आप ध्यान रखना, ठीक है। द कॉम्पोजिशन ऑफ आदि ग्रंथ कंसिस्टेड ऑफ द हाइम्स ऑफ फर्स्ट 5 गुरुज एंड हिंदू सेंट्स, ब्राह्मण्स एज वेल एज शूद्रास एंड मुस्लिम सूफीज, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किसी में भी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन इन्होंने नहीं रखा है, ठीक है। मोर ओवर अगर आप मतलब मंदिर वगैरह में देखो वहाँ पे 2 दरवाजे थे या 3 थे। तो गोल्डन टेम्पल जब इस्टेब्लिश किया था इन्होंने तो उसके 4 दरवाजे रखे गए थे, ठीक है, अभी भी 4 ही हैं, जो जिसका मतलब यही है कि चारों धर्मों के लिए, हर धर्म के लिए इनफैक्ट वो रास्ता जो है खुला है, ठीक है। गुरु का घर जो है हर एक जात के लिए एक ही है, खुला है, हर टाइम खुला है, ठीक है। दी सेंट्स पर जिनकी बानी थी देवर बेनी विखान तन्ना फरीद जयदेव कबीर नामदेव परमानंद पीपा रामानंद रविदास सैन साधना सूरदास एंड त्रिलोचन। इट ऑल्सो कंटेन्स द हाइम्स ऑफ मिनिस्ट्रल्स, दैट इज पार्ट्स जो होते थे पार्ट्स एंड बर्ड्स। दीज मिनिस्ट्रल्स, जैसे आपको पता है मर्दाना भी था, ठीक है, मिनिस्ट्रल था। दीज मिनिस्ट्रल्स वर ऑल ब्राह्मण एंड देन बिकेम सिक्स ऑफ द गुरु। दे वर कल जलप बिखा साल भल नाल बाल ज्ञान मथुरा कीरत एंड हरबंस। इट ऑल्सो कंसिस्टेड ऑफ वार ऑफ सत्ता एंड बलवंत, ठीक है, रामकली साध बाय सुंदर एंड 5 शब्द्स ऑफ मर्दाना द मिनिस्ट्रल ऑफ गुरु नानक ऑन पादो सुदी फर्स्ट दैट इज सम्मत 1661 दैट इज 1604, ठीक है। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसमें 1604 AD आप याद रखना, व्हेन द आदि ग्रंथ वाज इंस्टॉल्ड इन हरि मंदिर एंड पाई बुड्ढा वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ग्रंथी, ठीक है। तो आप देख सकते हो अभी भी गुरु नानक देव जी के टाइम से गुरु अर्जुन देव जी का टाइम आ गया, तो पाई बुड्ढा जी जो थे उनको फर्स्ट ग्रंथी जो था अपॉइंट किया गया था, ठीक है। ये भी काफ़ी बार काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। देन उसके बाद गुरु अर्जुन देव जी की मार्टिरडम के बारे में हम जिक्र करते हैं। इनके काफ़ी रीजंस थे। पहले तो आपको पता है पृथ्वीचंद जो था वो थोड़ा जेलस था, ठीक है, तो वो भी जो था जो उसका एक फ्रेंड था चंदू, ठीक है, तो वो फाइनेंशियल अफेयर ऑफ फाइनेंशियल मैटर्स का था वहाँ पे मिनिस्टर उसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में, ठीक है।
वो उसका फ्रेंड था, ठीक है, तो गुरुजी से जेलस करता था। तो चंदू जो था वो बेसिकली उसने अपनी जो डॉटर थी उसकी बीवी ने बोला कि आप जो गुरु अर्जुन देव जी हैं उसके बेटे से जो है अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, ठीक है। तो इसने बोला कि नहीं, वो तो लो कास्ट है, ठीक है। तो फिर भी मतलब जब उसने देखा कि इनका तो बहुत नाम है तो वो तैयार हो गया, तो उसने अपना जो था रिश्ता भेजा वहाँ पे। तो जब उसने रिश्ता भेजा तो जो सिख थे गुरुजी के, उन्होंने पहले ही मना कर दिया था उनको कि ये प्रस्ताव हमको स्वीकार नहीं है क्योंकि वो आपके अगेंस्ट है, बोलता है, ठीक है। तो उसका जो स्वीकार था वो गुरुजी ने मना कर दिया, ठीक है, सिखों ने बेसिकली मना किया था, ठीक है। तो इससे वो बहुत ज़्यादा भड़का था, तो उसने सोचा था कि मैं इससे जो है वो ज़रूर जो है वो रेवेंज लूँगा, ठीक है, सॉर्ट ऑफ। तो उसमें एक जो खुसरो था, खुसरो में बेसिकली जहांगीर का बेटा था, तो कुछ ऐसे ही मतलब छोटी मोटी बात हुई थी, तो खुसरो को जो था वो आउस्टेड कर दिया गया था थोड़े टाइम के लिए। तो गुरुजी ने जो था उसको मतलब अगेंस्ट दी एम्परर जाके उनकी उसकी फाइनेंशियल मदद की थी खुसरो की, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो थी वो गुरुजी के अगेंस्ट काम कर रही मतलब उसके उनके लिए। तो एम्परर ने फिर इनको समन किया गुरु अर्जन देव जी को दिल्ली में, ठीक है। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। उसके बाद आपको पता है कि गुरु इन्होंने जैसे आदि ग्रंथ जो था वो भी मतलब एस्टेब्लिश कर दिया था सॉर्ट ऑफ। तो जो एम्परर जहांगीर था उसको भी हो गया कि ये मतलब इस्लाम धर्म है जो है यहाँ पे हम लोगों को प्रीच कर रहे हैं, तो लोग जो है वो इसी उसको छोड़ के जो है इसकी और सिखिज्म की तरफ जो है वो डाइवर्ट हो रहे हैं, हिंदूज भी जो हैं मुस्लिम्स भी जो हैं सारे ही इसकी ओर डाइवर्ट हो जाएंगे, तो मतलब इस्लाम में कोई भी बचेगा नहीं, ठीक है। तो फिर उसने जो क्या किया, उसने गुरुजी को वहाँ पे बुलाया दिल्ली में। तो दिल्ली जाने से पहले जो थे गुरुजी ने गुरु गद्दी जो थी गुरु हरगोबिंद साहब जी को जो है वो सौंप दी थी, ठीक है। तो जब गुरुजी वहाँ गए तो उनके साथ 5 सिख्स थे, भाई बिधि चंद, भाई लंगाहा, भाई प्यारा, भाई जेठा एंड भाई पिराना, ठीक है। तो गुरुजी ने जो भी जहांगीर ने पूछा तो गुरुजी से की बातों से वो संतुष्ट नहीं हुआ। बेसिकली उसके मन में यही था कि मैं इसको इनको जो है वो एग्जीक्यूट कर दूंगा, ठीक है। तो उसने काफ़ी भारी जो अमाउंट था 2 लाख रुपये का फाइन जो था कि आप लोगों को गलत भड़का रहे हो, तो ये चीज़ जो है इसके लिए आपको 2 लाख रुपये भी पे करने पड़ेंगे और गुरु ग्रंथ साहब जी की जो वर्सेज हैं जो हिंदू और मुस्लिम रिलीजन्स के अगेंस्ट है वो भी जो है चेंज करनी पड़ेंगी, ठीक है। क्योंकि इसमें गुरु ग्रंथ साहब जी में काफ़ी चीज़ों की जो है वो आपको पता ही है, जैसे मूर्ति पूजा वगैरह ये चीज़ों को काफ़ी जो है गलत माना गया, ठीक है। तो इसमें उन्होंने बोला कि मतलब उस चीज़ को आप चेंज करो, ठीक है। तो गुरुजी ने मना कर दिया, तो काफ़ी सिख जो थे वो बोल रहे थे कि हम 2 लाख रुपए जो है वो इकट्ठे करेंगे, लेकिन गुरुजी ने बोल दिया कि जो मेरी मदद करेगा पैसे के मामले में वो मेरा सच्चा सिख नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद गुरुजी को बहुत टॉर्चर किया गया, ठीक है। उनको जो था उबलती देग में बिठा दिया गया, ठीक है। उनकी बॉडी पे छाले हो गए, फिर उनकी जो बॉडी थी एक जो आयरन रॉड थी, ठीक है, उसको गर्म करके उनकी बॉडी के ऊपर वो भी मारी गई, ठीक है। मतलब काफ़ी उनको जो था वो टॉर्चर किया गया था, ठीक है। उसके बाद जो ठंडा जल था रावी का उसके बाद उनके ऊपर वो भी डाला गया, ठीक है। तो फिर एट द एंड वो जो थे दे लेफ्ट फॉर हेमली अबॉड, ठीक है। तो दिस वॉज द 4th डे ऑफ द लाइट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जेठ, May 30, 1606 AD, ठीक है। तो ही लेफ्ट फॉर हिज हेमनली अबॉड ऑन 30 May 1606, फर्स्ट गुरु टू बी मार्टेड, ठीक है। तो हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेनली सुखमनी साहिब, कंपाइलेशन ऑफ आदि ग्रंथ, मसंद सिस्टम एंड ई एस्टैब्लिश्ड सिटीज ऑफ तरन तारण, करतारपुर एंड श्री हरगोबिंदपुर, ठीक है। तो श्री हरगोबिंदपुर इन्होंने अपने बेटे के नाम पे रखा था सिटी। तो हिज सक्सेसर वॉज गुरु हरगोबिंद साहब जी। तो अब हम पढ़ेंगे गुरु हरगोबिंद साहब जी के बारे में। गुरु हरगोबिंद वॉज बॉर्न टू गुरु अर्जुन देव ऑन June 19, 1595 एट वडाली विलेज नियर अमृतसर। तो अकाल तख्त जो था गुरु हरगोबिंद साहब जी ने इस्टेब्लिश किया था, वहाँ पे जो सिख थे उनको जो था मतलब रेसलिंग वगैरह वहाँ पे इनकी करवाते थे, उनकी मतलब फाइट आपस में कराते थे, मतलब उनको सॉर्ट ऑफ सिखाते थे कि कैसे हम बैटल फील्ड में लड़ेंगे, ठीक है। तो ये वहाँ पे जो था फर्स्ट टाइम पंजाब मतलब अमृतसर में इन्होंने शुरू किया था अकाल तख्त में, ठीक है, वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, मतलब सॉर्ट ऑफ अखाड़ा जो था एक तरह का वहाँ पे इस्टेब्लिश किया था इन्होंने। तो ये फर्स्ट गुरु हुए हैं जिन्होंने मतलब सिखों को एक मिलिट्री फॉर्म में तैयार किया था, ठीक है।
तो ही मेड भाई बिधि चंद, भाई जेठा, भाई प्यारा, भाई लंगाहा एंड भाई पिराना ईच कैप्टन ऑफ अ ट्रूप ऑफ 100 हॉर्स। पीपल बिगैन टू वंडर हाउ द गुरु कुड कंटिन्यू टू मेंटेन सच एन आर्मी। ठीक है, तो अकाल तख्त जो था वहाँ पे इन्होंने मतलब वो एक इंस्टीट्यूशन की फॉर्म में जो था वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया। ठीक है, तो फिर लोगों ने मतलब इन्होंने लोगों को प्रीच भी किया कि हमको मतलब अपनी सेफ्टी के लिए जो है वो अपनी ताकत को स्ट्रांग करना पड़ेगा अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। ठीक है, तो फिर लोगों ने बोला कि इनमें मतलब स्पिरिचुअल पावर भी है और एक मतलब ये मतलब एक स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं लोगों को, तो उन्होंने इनको सच्चा पातशाह बोलना शुरू कर दिया। सच्चा पातशाह मतलब ट्रू एम्परर। ठीक है, तो फिर बंदी छोड़ दैट इज़ द ग्रेट डिलीवरर। ठीक है, तो इन्होंने जो था ग्वालियर की जेल से जो 52 राजा थे डिफरेंट डिफरेंट जगहों से, ठीक है, जिनको बंदी बनाया हुआ था ने जहांगीर ने, तो उनको भी छुड़वाया था वहां से। ठीक है, तो इसलिए आपको पता ही है दिवाली पे जो है जो सिखों में बंदी छोड़ दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो वो इसके चलते मनाते हैं। तो उसके बाद जो एम्परर जहांगीर था, ठीक है, वो कश्मीर में उसकी डेथ हो गई, तो उसके बाद शाहजहां जो था वो एम्परर बन गया। ठीक है, तो इधर से सिख जो थे वो भी हंटिंग वगैरह कर रहे थे जंगल में, और उधर से जो शाहजहां के जो ट्रूप्स थे वो भी कर रहे थे, और जो शाहजहां का जो बास था वो सिखों के हाथ में लग गया। तो उन्होंने बहुत ही मतलब जो वहाँ के जो थे शाहजहां के जो ट्रूप्स थे उन्होंने बहुत ही मतलब एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ की सिखों के लिए, तो उन्होंने उनका बाज लौटाने से मना कर दिया। तो इसके चलते एक वहाँ पे जो अमृतसर पे आजकल गुरुद्वारा वहाँ पे टालीस आ रहा है, तो वहाँ पे जो थी वो फर्स्ट बैटल वहाँ पे लड़ी गई थी 1628 में। ठीक है, तो जहाँ पे ये बात हुई थी वहाँ पे भी आजकल एक गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा फलासा है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट बैटल थी, ठीक है, सिखिज्म की, तो वो यहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो फाउंडेशन ऑफ श्री हरगोबिंदपुर सिटी, गुरु हरगोबिंद फॉट एंड वन फोर बैटल्स। सिंस द गुरुज पर्पस हैड ऑलवेज बीन डिफेंसिव, ही डिड नॉट एक्वायर इवन एन इंच ऑफ टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ दीज विक्ट्रीज। ठीक है, तो उसके बाद गुरु जो हरगोबिंद साहब जी थे वो पहले गुरु थे गुरु नानक देव जी के बाद, जिन्होंने पंजाब से बाहर जाके जो है वो लोगों में सिखिज्म जो था जो असली जो धर्म था वो अपना प्रीच किया था, जो गुरु नानक देव जी की टीचिंग्स थी वो खुद जाके बाहर मतलब आउट ऑफ पंजाब इन्होंने प्रीच की थी। ठीक है, तो ही वेंट टू कश्मीर इन द नॉर्थ एंड नानक मता पिलबित इन द ईस्ट। तो इनकी जो फैमिली थी, ही हैड फाइव सन्स एंड वन डॉटर। देवर बाबा गुरुदित्ता वॉज बॉर्न टू माता दमोदरी इन 1613। बीबी वीरो वॉज बॉर्न टू माता दमोदरी इन 1615। बाबा सूरजमल वॉज बॉर्न टू माता मारवाही इन 1617। बाबा अनी राय वॉज बॉर्न टू माता नानकी इन 1618। बाबा अटल राय वॉज बॉर्न टू माता नानकी इन 1619। एंड बाबा तेग बहादुर वॉज बॉर्न टू माता नानकी इन 1621। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पर आके जो था वो अपने श्वास इनके पूरे हुए थे, भाई बुड्ढा जी थे जो। ठीक है, तो इन्होंने बोला था कि अब मतलब मुझे जो है मैं थक चुका हूँ सॉर्ट ऑफ, तो इन्होंने बोला था कि मुझे आप ब्लेसिंग्स दो। ठीक है, तो उसके बाद जो भाई बुड्ढा जी थे उन्होंने अपने श्वास पूरे किए थे। ठीक है, तो गुरु जी ने उनको ब्लेस भी किया था, साथ में उनकी मतलब चिता को अग्नि भी जो थी अर्पित की थी। ठीक है, तो भाई गुरदास जो थे वो भी कंटेम्प्रेरी रहे थे फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स गुरु के। ठीक है, तो वो भाई बुड्ढा जी को भी अच्छे से वो जानते थे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बाबा बुधान जी थे, वो भी अगर आपको पता हो तो अगर आप आनंदपुर साहब जाओ तो उसके पास उनकी जगह भी है, पीर बाबा थे वो बाबा बुदान जी, तो वो भी गुरु नानक देव जी के टाइम के थे। तो गुरु नानक देव जी अपनी उदासी के टाइम वहाँ गए थे, तो उन्होंने मिल्क जो था वो डिमांड किया था उनसे, तो फिर वो लेके आया, तो गुरु जी ने बोला कि नहीं मैं अब नहीं पीऊँगा, मैं जब अपनी सातवें जन्म में आऊँगा तब मैं तुमसे जो है वो मतलब पीऊँगा। ठीक है, तो उसके बाद जब गुरु हरगोबिंद साहब जी थे वो वहाँ गए बाबा बुदान जी के पास, तो वो भी उनकी भी उम्र इतनी ही लंबी थी भाई बुड्ढा जी के जितनी। ठीक है, तो फिर जब वहाँ गए भाई बुदान जी के पास तो उन्होंने बोला कि मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं मतलब आऊँगा और तुमसे दूध पीऊँगा, तो उन्होंने तब दूध भी पिलाया था उनको, तो वो खुश हो गए थे कि मतलब गुरु नानक देव जी की झलक जो थी उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब जी में देख ली थी। ठीक है, तो आजकल आप अगर आप वहां पे जाओ कभी तो आप देखना, वहां पे जगह भी है।
गुरु हरगोबिंद साहब जी ऑन 19 मार्च 1944 गुरु हरगोबिंद साहब जी लेफ्ट फॉर हिज हैमली अबॉर्ड एंड जो बैटल्स इन्होंने फॉट की दैट वर बैटल ऑफ अमृतसर, बैटल ऑफ हरगोबिंदपुर, बैटल ऑफ गुरुसौर एंड बैटल ऑफ कीरतपुर एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेनली फाउंडेशन ऑफ अकाल तख्त एट गोल्डन टेम्पल. ही डिक्लेयर टू स्वॉर्ड्स, मीरी एंड पीरी. ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है. मीरी सिग्निफाइज टेम्पोरल एंड पीरी सिग्निफाइज स्पिरिचुअल पावर. ठीक है, फर्स्ट ही वॉज फर्स्ट टू एंगेज इन वारफेयर. ठीक है, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है. देन एस्टेब्लिश टाउन्स ऑफ कीरतपुर एंड रूपनगर. देन इन्वेंटर ऑफ तोस, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उसकी इन्वेंशन भी गुरु हरगोबिंद साहब जी ने की थी. ही बिल्ट स्मॉल फोर्ट्रेसेज एट लोहगढ़ एंड अमृतसर एंड हिज सक्सेसर वॉज गुरु हर राय जी. तो अब हम पढ़ेंगे थोड़ा गुरु हर राय जी के बारे में. गुरु हरगोबिंद हैड फाइव सन्स एंड वन डॉटर. द एल्डेस्ट सन वॉज बाबा गुरदित्ता जी एंड माता निहाल कौर हु हैड टू सन्स, तीरमल एंड हर राय. तीरमल टर्न इन आउट डिसलॉयल एंड डिसओबीडियंट. ही हैड सम इन्फ्लुएंस इन द कोर्ट ऑफ एम्परर औरंगजेब एंड वॉज इन कम्युनिकेशन विद गुरुज एनिमी. गुरु हर गोबिंद नॉमिनेटेड हर राय, दैट इज हिज यंगर ब्रदर ऑफ तीरमल. ठीक है, मतलब उनके जो यंगर सन थे, एज हिज सक्सेसर बिफोर ही डिपार्टेड फॉर द हैमली बोर्ड ऑन March 3, 1644. तो उनके जो सन हैं दैट इज बाबा राम राय एंड गुरु हर कृष्ण. तो गुरु हर राय हेल्प शाहजहां सन दारा शिको टू रिकवर फ्रॉम प्रोलॉन्ग्ड इलनेस. ठीक है, तो दारा शिकोय जो था, शिको जो था, उसको कुछ वो बीमार हो गया तो ठीक ही नहीं हो रहा था बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी कुंडली उंडली काफ़ी जगह दिखाई बट फिर भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. तो गुरु जी की मेडिसिन की वजह से इन्होंने कोई मेडिसिन भेजी थी. ठीक है, तो उसकी वजह से जो था वो ठीक हुआ था. उसके बाद जो था एम्परर काफ़ी खुश हुआ था तो उसने सारी एनमाइटी जो थी वो गुरु जी से ख़त्म कर दी थी. ठीक है, और एक और मैं बात यहाँ पे आपको बता दूं कि गुरु हर राय जी की, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पुत्र थे गुरु राम राय और गुरु हरकृष्ण, तो इन्होंने गुरु हरकृष्ण जी को चुना था. ठीक है, क्योंकि जो गुरु राम रा, जो बाबा राम राय थे, ठीक है, उसने उन्होंने क्या किया था, वो एम्परर जो थे उनके वहाँ गया था तो उनको प्लीज़ करने के लिए दरबार में. ठीक है, एम्परर को, तो उसने जो औरंगज़ेब था, ठीक है, तो शाहजहां के बाद आया था ना औरंगज़ेब, तो उनको प्लीज़ करने के लिए उसने गुरबानी की जो थोड़ी सी वर्सेस थी वो चेंज कर दी थी. ठीक है, मिट्टी मुसलमान की, तो उसकी जगह उसने बोल दिया मिट्टी बेईमान की. ठीक है, तो इस चीज़ के लिए सभी सिखों ने भी उनका बायकॉट कर दिया था. तो फिर गुरु जो बाबा राम राय थे उन्होंने, मतलब वो वापस जा नहीं पाए थे अपने घर भी, तो औरंगज़ेब ने उस बात का जो था वो फ़ायदा उठाया और उनको काफ़ी हैवी, मतलब लैंड जो थी बाबा राम राय को दी थी वहाँ पे, आजकल जहाँ पे देहरादून है. ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बाबा राम राय ने अपना डेरा जो था वो इस्टेब्लिश कर लिया था. ठीक है, इसलिए उसको देहरादून बोलते हैं. ठीक है, दून एक जगह थी वहाँ पे. ठीक है, तो आपको पता ही होगा. ठीक है, तो फिर माना जाता है कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी वहाँ से पौंटा साहब जा रहे थे तो तब रास्ते में, मतलब उसने बाबा राम राय जी थे उन्होंने माफ़ी मांगी थी गुरु गोबिंद सिंह जी से, तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको माफ़ भी कर दिया था. तो इनका थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं. ऑन 6 अक्टूबर 1661 गुरु हर राय जी लेफ्ट फॉर हिज फैमिली अबॉर्ड. हिज कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेनली आयुर्वेदिक हर्बल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर एट कीरतपुर. ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, तो हिज सक्सेसर वॉज श्री गुरु हरकृष्ण जी. तो गुरु हरकृष्ण जी आपको पता है सबसे छोटे गुरु थे. ठीक है, और जल्दी ही इनकी जो थी वो डेथ भी हो गई थी. ठीक है, ड्यू टू स्मॉल पॉक्स. तो गुरु हरकृष्ण वॉज द सेकेंड एंड द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हर राय एंड माता किशन कौर वॉज बॉर्न ऑन 7 जुलाई 1656 एट कीरतपुर. ठीक है, तो गुरु हरकृष्ण वॉज अपॉइंटेड गुरु व्हेन ही वॉज 5 years and 3 months ओल्ड. तो राम राय वॉज एट एम्परर्स कोर्ट इन दिल्ली एंड व्हेन द न्यूज़ ऑफ गुरु हरकृष्ण सक्सेशन टू गुरु शिप रीच राम राय ही वॉज इन्फ्लेम्ड विद जेलसी. द सिचुएशन प्रूव्ड द एम्परर विद अ गुड अपॉर्चुनिटी. जैसे कि मैंने आपको बताया तो उसने जो था बहुत ही, मतलब उस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाह, लेकिन जब वहाँ पे दिल्ली में स्मॉल पॉक्स बहुत फैल गया था तो तब गुरु जो हरकृष्ण जी थे उन्होंने वहाँ पे लोगों की बहुत मदद की थी, तो इसलिए फिर औरंगज़ेब ने उनके काम में कोई भी किसी भी तरह की जो थी दखल अंदाजी नहीं की. तो ये भी माना जाता है कि जो गुरु हरकृष्ण जी थे वो किसी को छू लेते तो किसी का लेप्रोसी जैसा भी जो मतलब डिसीज़ होती थी वो भी ठीक हो जाती थी. ठीक है, तो वहाँ पे जहाँ पे गुरु जी गए थे तो वहाँ पे जो राजा जय सिंह थे, जो बेसिकली जो एम्परर औरंगज़ेब था उनके मतलब कोर्ट में ये काम करते थे राजा जय सिंह, तो वो उनको मिलने गए थे वहाँ पे.
ठीक है, तो वो भी बड़े डिवोटी थे उनके, गुरु हरकिशन के, क्योंकि औरंगजेब ने बुलाया भी था हरकिशन को, बट ये गए नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बोला था कि मैं उस बंदे का मुंह नहीं देखूंगा, मेरे पिता ने उस बंदे का मुंह मतलब देखने के लिए मना किया हुआ है, जिसने गुरबानी की जो वर्सेज है वो चेंज कर दी, क्योंकि वहाँ पे बाबा राम राय भी तब औरंगजेब के पास ही थे, ठीक है। तो वहाँ पे आप आजकल दिल्ली में आपको पता है गुरुद्वारा बंगला साहब है, ठीक है, तो काफ़ी लोग वहाँ पे जो थे गुरु जी की दर्शन करने गए थे। तो कंपैशन टुक द स्मॉल पॉक्स ऑन हिमसेल्फ ऑन 16 अप्रैल 1664, गुरु हरकृष्ण जी लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबॉड, हिज बॉडी वॉज क्रिमेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर जमुना वेयर नाउ स्टैंड्स द गुरुद्वारा बाला साहेब, हिज सक्सेसर वॉज गुरु तेग बहादुर जी ऑल्सो नॉन एज त्यागमल बाबा बकाले एंड हिंद दी चादर, ठीक है। गुरु तेग बहादुर जी के ये तीनों ही नाम है, त्यागमल, बाबा बकाले एंड हिंद दी चादर। एक्चुअली जब गुरु हरकृष्ण जी के श्वास पूरे हुए थे, तो ये इतना ही कह पाए थे कि गुरु जो है वो बाबा बकाले में है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे जो था गुरु तेग बहादुर जी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे उनको, पहले मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि जब गुरु जी ने ऐसे बोला तो काफ़ी जो लोग थे उन्होंने इस चीज़ का एडवांटेज लेना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे 22-23 मतलब लोग थे जो मतलब प्रिटेंड कर रहे थे कि हम भी गुरु हैं, ठीक है। तो फिर उस चीज़ का किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि असली गुरु कौन है, ठीक है। तो उन्हीं दिनों में ना वहाँ पे एक मक्खन शाह था, तो उसका जहाज़ जो था वो ट्रेडर था बेसिकली, तो वो समंदर में ना मतलब वो डूब रहा था, तो उसने मतलब गुरु जी से, गुरु नानक देव जी को याद करके मतलब रिक्वेस्ट की कि मेरा मतलब जहाज़ जो है वो बाहर निकाल दो, तो मैं आपको 500 मोहरे जो है सोने की वो चढ़ाऊंगा। तो वो मतलब सक्सेसफुली उसका निकल भी गया वहाँ से। तो फिर जो तब वो ढूंढता ढूंढता बाबे बकाले आया, तो उसने देखा कि यहाँ पे तो मतलब काफ़ी लोग हैं, तो फिर उसने दो दो गोल मोरे मोरे जो थी सोने की वो रखनी शुरू कर दी हर एक के आगे। तो जब, क्योंकि उसको था कि जो गुरु होगा असली वो पहचान ही लेगा, ठीक है। तो फिर जो जब वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी उसने दो मोरे रखी, तो गुरुजी ने बोल दिया कि मतलब तूने तो 500 मोरों का प्रॉमिस किया था, तू दो ही दे रहा है। तो वो उस छत पे चढ़ के उसने जो है शोर मचा दिया कि गुरु ला दो रे, कि मतलब असली गुरु जो है वो मिल गया है, ठीक है। तो ऐसे जो था गुरु तेग बहादुर जी जो थे वो उनकी पहचान हुई थी एज अ 9th गुरु, ठीक है। तो गुरु तेग बहादुर वॉज द 5th एंड यंगेस्ट सन ऑफ गुरु हरगोबिंद, ठीक है। तो ये भी बेसिकली आपको पता ही है, जैसे 4th गुरु से, जैसे गुरु अमरदास जी ने वरदान दिया था, तो 4th गुरु से कॉन्टिन्यूसली आप देख रहे हो कि चलते आ रही हैं सारी पीढ़ियाँ, ठीक है। तो ये यंगेस्ट सन थे गुरु हरगोबिंद साहब के, ठीक है। वॉज बॉर्न ऑन 1st अप्रैल 1621 टू माता नानकी एट अमृतसर, गुरु के महल। ही वॉज मैरिड टू माता गुजरी, डॉटर ऑफ लाल चंद ऑफ करतारपुर इन जलंधर डिस्ट्रिक्ट। आफ्टर गुरु हरगोबिंद ही विद हिज मदर माता नानकी एंड हिज वाइफ वेंट टू लिव इन बकाला। गुरु तेग बहादुर बिलोंग टू सोडी क्लैन एंड हिज ब्रदर्स वर बाबा गुरदित्ता, बाबा सूरजमल, बाबा अनिल राय एंड बाबा अटल राय, एंड सिस्टर वॉज बीबी बीरो एंड सन वॉज गुरु गोबिंद सिंह। तो इन्होंने जो था ही फाउंड द सिटी ऑफ आनंदपुर, ठीक है। तो आनंदपुर की सिटी जो थी वो इन्होंने ही बेसिकली फाउंड की थी। द रानी ऑफ बिलासपुर ऑफर्ड द गुरु टू डोनेट द साइट ऑफ मखोवाल, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मैं जो है डोनेशन में नहीं लूँगा, तो इन्होंने बकायदा 500 रुपीज़ जो थे वो पे किए थे, ठीक है। तब तो 500 भी बहुत ज़्यादा थे। द फाउंडेशन स्टोन ऑफ न्यू सेटलमेंट चक नानकी वॉज लेड इन जून 1665 आफ्टर द रेवर्ड नेम ऑफ गुरुज मदर। इन द कोर्स ऑफ टाइम अ ब्यूटिफुल टाउन कॉल्ड आनंदपुर ग्रू अप अराउंड इट। उसके बाद औरंगजेब कंप्लेन ऑफ रिलीजियस परसिक्यूशन, ठीक है। तो अब गुरु जो औरंगजेब था उसने अपनी इस्लाम जो था वो फैलाना शुरू कर दिया, और उसने लोगों को जो था इसके लिए टॉर्चर भी करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो उसने सबसे पहले तो अपने जो फादर था अब, ठीक है, तो उनको उसको भी मार दिया, ठीक है, जो शाहजहां था, ठीक है। फिर आपको पता ही होगा कि शाहजहां दारा शिकोह जो था उसका सिर काट के उसने शाहजहां को भी दिखाया था, ठीक है, मतलब अपने ब्रदर्स को भी ख़त्म कर दिया था इवन उसने, ठीक है। तो वो चाहता था कि पूरा इंडिया जो है वो इस्लाम में ख़त्म हो, मतलब कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए उसने मतलब शर्तें रखनी शुरू कर दी कि या तो कोई शांति से ही इस्लाम कबूल कर ले, ठीक है, या फिर उसको मैं बहुत ज़्यादा धन दूंगा, ठीक है, तो नहीं तो उसको पनिशमेंट मिलूंगी, मतलब 3 ही वेज हैं, ठीक है। तो उसके बाद जब लोग नहीं मानते थे, तो वो फोर्सिबली मतलब उनका जो इस्लाम था वो कन्वर्ट, मतलब उनका हिंदुज़म या सिखिज़म वो कन्वर्ट कराना चाह रहा था इस्लाम में, ठीक है। तो फिर उसके चलते जो कश्मीरी ब्राह्मण्स थे, पंडित्स जो थे कश्मीरी पंडित्स, तो वो गुरु तेग बहादुर जी के पास गए, तो उन्होंने सारी सिचुएशन जो थी वो उनको
बताई तो गुरुजी के जो बेटे थे गुरु गोबिंद सिंह जी, तब 9 8 9 साल के थे, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो सेक्रीफाइस की ज़रूरत है, गुरु तेग बहादुर जी ने बोला। तो गुरु गोबिंद सिंह जी ने बोला कि आपसे बड़ा मतलब सेक्रीफाइस कौन दे सकता है। तो तब गुरु जी ने बोला कि तुम जाके अपने एम्परर को बोल दो कि सिखों के गुरु हैं 9वें गुरु, तो आप उनको इस्लाम कबूल करवा लो, अगर वो इस्लाम कबूल करते हैं तो फिर हम सब इस्लाम कबूल कर लेंगे, ठीक है। तो इसके चलते जो है वो औरंगज़ेब बहुत खुश हुआ, उसको लगा कि अब तो बहुत इजीली मैं जो है वो इस्लाम कबूल करवा लूँगा सबको, क्योंकि एक बंदे को तो मतलब इस्लाम कबूल मैं करवा ही सकता हूँ, ठीक है। तो उन्होंने गुरु जी को जो है वो दिल्ली बुलाया था, ठीक है। तो वहाँ पे गुरुजी जो थे वहाँ पे चले गए, ठीक है। तो फिर उन्होंने वैसे ही उनके साथ जो थी तीन चीज़ें उनको ऑफर करी कि या तो आप इस्लाम कबूल कर लो, ठीक है, या फिर क्योंकि आप गुरु हो तो कोई चमत्कार करके दिखाओ, और तीसरा अपने आप को फिर तैयार कर लो कि तुम मतलब जो है किसी जो भी मैं सज़ा दूँ उसको जो है तुम एक्सेप्ट कर लोगे, ठीक है। तो गुरुजी ने बोला कि वो एक तो इस्लाम कबूल नहीं करेंगे, ठीक है, तो दूसरा वो चमत्कार नहीं दिखाएंगे, क्योंकि वो जो है वो प्रीचिंग्स जो सिखिज़म्स की प्रीचिंग्स है उसके अगेंस्ट हैं, ठीक है। तो तीसरा वो बोले कि अगर तुम कुछ भी किसी भी तरह का टॉर्चर करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद जो है आपको पता ही है काफ़ी टॉर्चर जो था उनके ऊपर किया गया, तो एट दी एंड उनका जो सर था धड़ से अलग कर दिया गया। तो दिस हैपेंड ऑन द आफ्टरनून ऑन थर्सडे द 5th डे ऑफ लाइट हाफ ऑफ द मून ऑफ मकर ऑन 11th नवंबर 1675 एट चांदनी चौक, जहाँ पे आपको पता है आजकल जो है सीसगंज गुरुद्वारा है, ठीक है। तो दिस गुरुद्वारा वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई सरदार बघेल सिंह करोड़ सिंघिया इन 1790। तो वहाँ पे जब भीड़ थी तो जो भाई जैता जी थे, कहते हैं कि तब बहुत ही तेज़ आंधी चली थी, तो भाई जैता जी थे तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे गुरुजी का सर जो था वहाँ पे वो लेके चल पड़े थे, और वो गुरु गोबिंद सिंह जी के पास गए थे रणपुर, ठीक है, उनका जो सर लेके। तो तब गुरुजी ने उनको मतलब गले से लगाया था, और उनको भाई जेता जी को बोला था रंगरेटा गुरु का बेटा, ठीक है। तो रंगरेटा बेसिकली उनकी कास्ट थी भाई जेता जी की। तो उसके बाद जो गुरुजी का दर्द था, वो जो लखी शाह लुबाना है वो बेसिकली कंट्रैक्टर था दिल्ली में, तो उसने अपने घर में ही एक तरह का फ्यूनरल पायर जो था वो बना के रखा हुआ था। तो उसने मतलब गुरुजी की जो धड़ था उसको मतलब वो ले गया अंदर, तो उसने वहाँ पे आग लगा दी, मतलब चोरी चोरी से वहाँ पे जो था वो लेके गया था, क्योंकि वहाँ पे उसने औरंगजेब ने बोल दिया था कि इनका जो है वो क्रिमेशन नहीं किया जाएगा। तो उसने अपने घर को जो था वो आग लगा दी थी, और सुबह फिर उनकी जो मतलब अस्थियां थी वो जो एक कॉपर वेसल था उसमें इकट्ठे करके उसको जो था अंडर दी अर्थ उसको दफना दिया था उनकी अस्थियां को। तो वहाँ पे आजकल जो है वो रकाबगंज गुरुद्वारा है, इट इज़ नियर दी पार्लियामेंट हाउस इन न्यू दिल्ली। तो ऑन 16 नवंबर 1675 गुरु तेग बहादुर जी लेफ्ट फॉर हिज फैमिली अबॉर्ड, एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस आर मेनली बिल्ड द सिटी ऑफ अनंतपुर साहब एंड 115 हाइम्स टू गुरु ग्रंथ साहब ऑल आर श्लोक्स, एंड हिज सक्सेसर वॉज गुरु गोबिंद सिंह जी। तो गुरु तेग बहादुर जी सेंट 5% कोकोनट थ्रू भाई जैता जी, ठीक है। तो पहले उन्होंने शहीद होने से पहले ही जो था भाई जैता जी को 5 पैसे और कोकोनट जो सिखिज्म में देते हैं, ठीक है, तो वो दे दिया था उनको थ्रोन में बिठाने के लिए गुरु गोबिंद सिंह जी को, ठीक है। तो गुरु गोबिंद सिंह जी के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ही वॉज बॉर्न ऑन 5th जनवरी 1666 एंड गुरुशिप ऑन 16 नवंबर 1675, एंड हिज फादर वॉज गुरु तेग बहादुर जी, मदर वॉज माता गुजरी, प्लेस बर्थ प्लेस जो थी पटना बिहार, एंड वाइफ वॉज माता जैतो, माता सुंदरी एंड माता साहिब कौर। माना जाता है कि जो माता जीतो का जो नाम है वो मतलब एज एन एपिथेट ही लिया जाता है, माता सुंदरी का ही नाम माता जीतो था। तो ये भी माना जाता है कि जो माता जीतो था नाम उनका बाद में पड़ा था जब उनकी शादी हो गई थी तो ससुराल वालों की तरफ से, तो ये बेसिकली कर ही देते हैं, ठीक है। तो माता सुंदरी और माता साहिब कौर ही माना जाता है, लेकिन बिकॉज हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं तो तीन ही चला आ रहे हैं जब से भी चला आ रहा है, ठीक है। तो सन्स जो थे चार थे, साहिबजादा अजीत सिंह, साहिबजादा जुझार सिंह, साहिबजादा जोरावर सिंह एंड साहिबजादा फतेह सिंह, एंड हिज डिसिपल्स वर बाबा बंदा सिंह बहादुर एंड माई पागो। तो गुरु गोबिंद सिंह जी की फर्स्ट बैटल हम डिस्कस करते हैं, बैटल ऑफ पंगानी, ठीक है। इट टुक प्लेस इन 18 सितंबर 1686 एट पोंटा साहिब, ठीक है। तो
तो बेसिकली वहाँ पे जो फतेह शाह था गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट का, तो उसकी बेटी की शादी थी जो राजा भीमचंद था कहलूर का, उसके बेटे के साथ। तो राजा भीमचंद जो था वो खुंदक खाता था गुरु गोबिंद सिंह जी से। एक्चुअली गुरु गोबिंद सिंह जी को किसी ने ना एलिफेंट एक बहुत ही अच्छा दान में दिया हुआ था, तो ये और उनके पास काफ़ी शौहरत भी थी, तो ये उनसे जेलस करता था और ये चाहता था कि वो हाथी जो है वो मुझे गिफ्ट कर दे। तो इसने 3 बार उनको रिक्वेस्ट भी की थी, तो गुरु जी ने मना कर दिया था। गुरु जी ने इसलिए मना नहीं किया था कि किसी को मेरा एलिफेंट अच्छा लगा है तो इसलिए मतलब क्योंकि मुझे किसी ने दिया तो मैं इसको क्यों दूँ, ऐसा कुछ नहीं था। एक्चुअली गुरुजी को पता था कि वो आउट ऑफ जेलस जो है वो मांग रहे हैं, तो इस चीज़ के चलते गुरुजी ने उसको मना किया था। ठीक है, तो इतनी छोटी सी बात पे मतलब इतनी लड़ाइयाँ भी की इसने गुरुजी से। ठीक है, तो फिर जो फतेह शाह था उसको पांवटा साहिब जाना था, तो वो गुरुजी से पूछ रहा था कि वो मतलब उस रास्ते गुरुजी के जो जहाँ पे गुरुजी का अपना मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ था जगह अपनी, तो उसके रास्ते उनको जो था नज़दीक पड़ता था। ठीक है, तो गुरुजी ने उसको बोल दिया कि ठीक है तो यहाँ से निकल जा। ठीक है, लेकिन जो राजा भीमचंद के जो गेस्ट थे उनको बोला कि वो श्रीनगर से जो है वो घूम के आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का भी उसको खुंदक चढ़ गई और ज़्यादा। ठीक है, तो उसने जो था फतेह शाह को सीधा सीधा बोल दिया कि जा तो तू अपनी बेटी जो है उसकी शादी कैंसिल समझ, नहीं तो तू गुरु जी को चुन, मतलब एक दो एक को चुन ले जा अपनी बेटी की मैरिज या फिर गुरु जी को। तो ऑब्वियसली वो फिर क्या करता, उसने जो था वो उसको ही चुना। ठीक है, तो फिर इसके बाद जब मैरिज वगैरह खत्म हो गई तो उन्होंने सोचा कि अब हम गुरुजी के ऊपर जो है वो अटैक करेंगे। तो इसमें जो राजा थे, ठीक है, बेसिकली द एनिमी फोर्सेस वर लेड बाय राजा फतेह शाह हु वाज जॉइंड बाय राजा हरिचंद ऑफ हदूर, राजा गोपाल ऑफ बुलेर, राजा ऑफ चंडेल, राजा ऑफ ददवाल एंड जसवाल एंड 400 पठान हु हैड डिजर्टेड द गुरु साइड। ठीक है, तो ये एक पीर बुद्ध था, ठीक है, उनके फॉलोअर्स थे पठान्स जो थे। ठीक है, तो इन्होंने गुरु जी की साइड छोड़ के उनकी साइड पर चले गए थे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी उनको मनी वगैरह भी ऑफर की गई थी। तो गुरु गोबिंद सिंह बिकेम विक्टोरियस फिर भी। ठीक है, तो पीर बुद्ध शाह जो थे उन्होंने उनके जो मतलब फॉलोअर्स थे और जो डिवोटीज थे उन्होंने और पीर बुद्ध शाह ने खुद भी गुरु जी की इस बैटल में काफ़ी मदद की थी। तो इट वॉज द फर्स्ट बैटल ऑफ गुरु एंड ही वॉज जस्ट 19 ईयर्स ऑफ एज। तो इसके बाद क्रिएशन ऑफ खालसा। ठीक है, तो गुरु सेंड हुक्मनामास टू हिज फॉलोअर्स ऑल ओवर द कंट्री टू विजिट आनंदपुर एट बैसाखी फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन 1699 AD। ठीक है, तो वहाँ पे आपको पता ही उन्होंने 5 बार जो था बलिदान मांगा था लोगों का, तो उसके बाद जो 5 प्यारे थे उन्होंने साझे थे उनको अमृत जो था वो छकवाया था और खुद भी छका था। ठीक है, तो वो 5 प्यारे थे मेनली दयाराम थे पहले, तो उनको दया सिंह बनाया, धर्मदास से धर्म सिंह बनाया, मोकम चंद से मोकम सिंह, हिम्मत चंद से हिम्मत हिम्मत सिंह एंड साहिब चंद से साहिब सिंह। द गुरु देन एड्रेस देम एज द सुप्रीम द लिबरेटेड वंस द प्योर वंस एंड ही कॉल्ड देम द खालसा। तो क्रिएशन ऑफ खालसा में हम देखते हैं कि सिंह जो है उनके लिए ये चीज़ें जो 5 K से मतलब K से शुरू होती हैं, ये 5 चीज़ें उनको कंपलसरी हैं, मैंडेटरी हैं। ठीक है, सबसे पहले केस, केस मतलब जो उनके बाल हैं अनशॉर्न मतलब कटे हुए नहीं होने चाहिए। ठीक है, इससे जो है उनकी सेंटलीहुड का पता चलता है। ठीक है, नेचुरल अपेयरेंस जो हमें भगवान ने दी है उसमें कोई भी किसी भी तरह का जो है वो हमें इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट टोकन ऑफ सिख फेथ। दूसरा था कंघा, कंघा इज़ अ कॉम्ब टू क्लीन द हेयर, देन कच्छ एंड अंडरवियर टू डिनोट चेस्टिटी। ठीक है, ब्रह्मचर्य होता है चेस्टिटी। देन कारा, करा मतलब जो हाथ में पहनते हैं, तो इसका मतलब है कि आप किसी भी दूसरी जो वाइफ है उसके ऊपर किसी तरह का नज़र नहीं रखोगे। देन किरपान, अ स्वॉर्ड फॉर सेल्फ डिफेंस एंड सिंबल ऑफ डिग्निटी, पावर एंड अनकंकरेबल स्पिरिट। तो उसके बाद फर्स्ट बैटल ऑफ आनंदपुर हुई 1701 नियर रोपड़। ठीक है, तो ये भी हिली राजास जो थे उनके वो ओवर पावर करना चाहते थे गुरु गोबिंद सिंह जी को। ठीक है, तो इसमें जो उन्होंने वाइसराय था दिल्ली का, ठीक है, जनरल दीन बेग, तो उसकी भी हेल्प ली थी। ठीक है, और इसके साथ जो जनरल पेंडे खान था उसकी हेल्प ली थी। ठीक है, तो उनके साथ 5,000 की जो थी आर्मी थी, बट इंस्पाइट ऑफ दैट वो जो थे वो हार गए थे। ठीक है, काफ़ी लोग जो थे वहाँ से मतलब छोड़ के ही भाग गए थे। ठीक है, तो जो पेंडे खान था उसने सारा जो अपनी बॉडी का बॉडी थी लोहे के कवच से ढकी हुई थी, सिर्फ उसका कान जो थे वो खाली थे। तो गुरुजी ने मतलब उसने गुरुजी को चैलेंज किया कि मतलब तुम मुझे मार नहीं सकते हो। ठीक है, तो गुरुजी ने उसके सीधा कान में जो था वो अपना एरो घुसाया और मतलब वो मर गया।
एट द टाइम, ठीक है। तो द बैटल वॉज फॉट इन द बिगनिंग ऑफ 1701। उसके बाद सेकेंड बैटल जो थी अनंतपुर की, वो 1701 के एंड में हुई थी, ठीक है। फर्स्ट बैटल शुरुआत में हुई थी, तो ये एंड में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो थे राजाज ऑफ जम्मू, नूरपुर, मंडी, भूटान, कुल्लू, कंथल, गुलेर, चंबा, श्रीनगर, ददवाल, हंदूर एंड अदर्स असेंबल्ड एट बिलासपुर डिस्कस द न्यूली क्रिएटेड सिचुएशन, ठीक है। तो वो चाहते थे बदला लेना उस चीज़ का, पहली हार का। तो इसमें जो राजा अजमेर चंद था, उसने इनको लीड किया था, ठीक है। तो इसमें बेसिकली वो हार गए थे और गुरुजी की ही जीत हुई थी, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ निरमो, ये 1701 में हुई थी, ठीक है। तो अजमेर चंद, इन स्पाइट ऑफ द डिफीट ऑफ अलाइड फोर्सेस, डिटर्मिन टू ऑस्ट द गुरु, ठीक है। तो ये फिर भी गुरुजी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन एट द एंड फिर जो था इसको मुंह भी खानी पड़ी, एट द एंड ये फिर हार गया, ठीक है, निरमो की बैटल में भी, ठीक है। तो उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ अनंतपुर हुई, ठीक है, ए 1703 में। इसमें सिख्स जो थे उनकी गिनती बहुत कम रह गई थी, ठीक है। तो लेकिन फिर भी जो था, जो हिली राजा थे उनके अगेंस्ट ही हुई थी ये भी बैटल, फिर भी गुरुजी ही जीते थे, ठीक है। तो इट वॉज फॉर्ट इन 1703। तो फोर्थ बैटल जो थी अनंतपुर की 1704 में, तो इसमें फिर हिली राजा जो थे अंडर द कमांड ऑफ जनरल सैयद खान टू सबड्यू द गुरु, ठीक है। तो सैयद खान बेसिकली पीर बुद्ध शाह जो थे उनका ब्रदर इन लॉ था, ठीक है। पीर बुद्ध शाह जो थे वो गुरुजी के डिवोटी थे, बट ये जो था ये हिली राजा की तरफ था। तो यहाँ पे भी जो था गुरुजी की ही जो थी वो जीत हुई थी, स्पाइट ऑफ दी लेसर नंबर ऑफ आर्मी ऑन दी सिक्स साइड्स, ठीक है। फिर बैटल ऑफ चमकौर हुई 1704 में, ठीक है। तो इसमें जो मुगल फोर्सेस थी वो वजीर खान लीड कर रहा था उनको, ठीक है। तो इट वाज अगेंस्ट दी सिक्स। तो इसमें आपको पता ही है जो साहिबजादा अजीत सिंह और साहिबजादा जुझार सिंह थे, ठीक है, उनको जो थी शहीदी प्राप्त हुई थी इसमें, ठीक है। तो इसमें द रिमेनिंग फ्यू सिक्स फेल ऑन देयर नीज बिफोर द गुरु एंड इंट्रीटेड हिम नॉट टू गो, ठीक है। मतलब इसमें क्या हुआ था कि गुरु जी ने बोल दिया था कि लोगों ने बोल दिया था कि आप जो है नहीं जाओगे, क्योंकि जब उनके दोनों बेटे जो थे उनकी वो शहादत को मतलब प्राप्त हो गए थे, तो उन्होंने बोला था कि अब मैं जाऊंगा, ठीक है। तो गुरुजी के जो सिख थे उन्होंने बोला था कि अगर आप रहोगे तो आप ऐसे ही मिलियन सिख जो है वो तैयार करोगे सिखों की आर्मी, लेकिन अगर आप नहीं रहोगे तो फिर हम जो है कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो उनकी बात जो थी गुरुजी ने मान ली थी, ठीक है। तो उसी रात जो थे गुरुजी ने वहाँ से अनंतपुर साहिब का किला जो था वो वेकेट कर दिया था। तो उनके कुछ सिख थे भाई संत सिंह जी थे, उन वो काफ़ी रिजेंबल करते थे गुरुजी से, तो वो वहीं किले के अंदर ही रह गए थे। तो इस बैटल में जो 40 सिख थे वो भी गुरुजी को छोड़ के चले गए थे, क्योंकि उनके पास जो खाने पीने का सामान था वो भी कम रह गया था। तो गुरुजी की पावर मतलब काफ़ी वीक पड़ गई थी, ठीक है। लेकिन फिर भी जब गुरुजी रात के अंधेरे में निकले थे, तो उन्होंने चैलेंज किया था मतलब मुगल्स को कि मैं जा रहा हूँ, तो किसी में हिम्मत है तो आप मुझे सामना मेरा कर सकते हो। तो उसके बाद बैटल ऑफ मुक्तसर हुई 8 मई 1705 नियर खिदराना। तो बेसिकली जब अनंतपुर का किला जो था वो सीज कर लिया था मुगल्स और हिली जो राजे थे उन्होंने, तो उसको फिर जो 40 सिख थे वो भी छोड़ गए थे बदावा लिख के, ठीक है। बदावा मतलब गुरु गोबिंद सिंह जी को लिख के दे गए थे कि हम आपके सिख नहीं हैं, ठीक है। तो जब वो खबाल विलेज में पहुंचे तो वहाँ माई भागो जी थी वो मिली। माई भागो जो थी वो गुरु गोबिंद सिंह जी की डिवोटी थी, और माना जाता है कि उनकी हाइट 6 फीट के अराउंड थी, बहुत लंबी थी, बहुत ज़्यादा वो मतलब उनका बिल्डअप बहुत अच्छा था, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हेरोइकली लड़ती थी वो उसमें बैटलफील्ड में भी, ठीक है। तो उन्होंने उनको परसुएड किया, ठीक है, मोटिवेट किया कि आपको गुरुजी को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। तो वो वापस अनंतपुर साहब गए गुरुजी के पास। तो जब बैटल ऑफ मुक्तसर हुई थी तो वहाँ पे फिर उन्होंने लड़ाई लड़ी मुगलों के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली सिखों की ही वहाँ पे जीत हुई थी। तो फिर वो 40 सिख जो थे वो देवर मार्टेड, ठीक है। तो उसके बाद उन्होंने गुरुजी से ब्लेसिंग्स मांगी थी कि वो बदावा जो है वो उनका टियर कर दें। देन गुरु ऑन 21 अक्टूबर 1708 गुरु गोबिंद सिंह जी लेफ्ट फॉर हिज हेवनली अबॉड एंड हिज कॉन्ट्रीब्यूशन आर मेनली बचित्र नाटक। ही रोड अपनी कथा विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ इट एंड ही रोड दसम ग्रंथ एंड सरबलो ग्रंथ एंड ही अबॉलिश्ड द मसंद सिस्टम, फाउंडेशन ऑफ खालसा पंथ। ही रोट जफरनामा, ठीक है, जफरनामा उन्होंने औरंगजेब को लिखा था लेटर, ठीक है। उसमें उन्होंने काफ़ी उनको मतलब सॉर्ट ऑफ कहते ना ताने वगैरह सुनाए थे, ठीक है। तो बिल्ट अ चेन ऑफ फोर्ट्रेसेस एट अनंतगढ़, केशगढ़, लोहगढ़ एंड फतेहगढ़। ये हमने कल वाला जो हमारा था प्रीवियस जीके पंजाब, तो उसमें हमने ये किले पढ़े थे ना,
तो दीज वर ऑल बिल्ट बाय गुरु गोबिंद सिंह जी. तो उनके जो सक्सेसर थे गुरु गोबिंद सिंह जी प्लेस्ड 5% कोकोनट ऑन गुरु ग्रंथ साहब एंड पास्ड ऑन द इनडेफिनेट गुरुशिप टू गुरु ग्रंथ साहब. ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम बाबा बंदा सिंह बहादुर के बारे में पढ़ लेते हैं. हिज ओरिजिनल नेम वॉज लक्ष्मण दास अलाइस माधोदास एंड हिज हेडक्वार्टर वॉज द ओल्ड फोर्ट एट मुखलीसगढ़ इन द सेफ्टी ऑफ हिमालयस. एंड जो कॉइन्स उन्होंने रिलीज किए थे स्ट्रक टू मार्क हिज रेन बेयरिंग द नेम ऑफ गुरु नानक देव जी एंड गुरु गोबिंद सिंह जी, और जो उनकी सील थी ही इंस्क्राइब्ड ऑन इट द नेम्स ऑफ 10 गुरुज एंड टू थिंग्स उसमें क्या थी, देग एंड तेग. ठीक है, देग मतलब कॉल्ड्रन होता है ना जिसमें लंगर तैयार करते हैं, दाल वगैरह जो खीर वगैरह कुछ भी बनाते हैं. ठीक है, कढ़ाया जिसको बोलते हैं. तो तेग जो थी तलवार को बोलते हैं, स्वॉर्ड ऑफ खालसा. ठीक है, तो बैटल ऑफ सरहिंद थी फॉर्ट एट चापरचिड़ी. बहुत सारी बैटल्स जो थी उन्होंने जीती थी, बहुत सारे लोगों मतलब लोगों को जो गरीब लोग थे. ठीक है, तो उनको जो था मुगलों के चंगुल से भी उन्होंने छुड़वाया था. और जो मेन इनकी बैटल फेमस हुई थी चापरचिड़ी की, जहाँ पे आपको पता ही है सरहिंद में जो गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे साहबजादे थे साहबजादा जोरावर सिंह और फतेह सिंह, उनको नींव में चिनवा दिया गया था वज़ीर खान की तरफ से. तो वहाँ पे इन्होंने जो था अटैक किया था और वज़ीर खान को मारा था और वहाँ पे किले को ऑक्यूपाई किया था. तो बंदास डेथ जो हुई थी, फरूक सियार था, ये भी मुगल एम्परर था, तो इसने जो था ही एग्जीक्यूटेड बाबा बंदा सिंह बहादुर एंड हिज सन अजय सिंह इन 1716. ठीक है, तो दैट्स ऑल फ्रॉम सिखिज्म. इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे राइज ऑफ महाराजा रंजीत सिंह. ठीक है, तो दैट्स ऑल. प्लीज सब्सक्राइब टू फतेह एडुकॉम. थैंक यू वेरी मच.